श्रीमते रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयो पूर्णयेन्दुगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यप्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्ज विहारिणे नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। मंगलं भगवान विष्णुं मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
सोई जतन की छाही परे तो श्याम हरित श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे झुकदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण को वास लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन कुवास मेरो मन माणिक गिरवी मोहन के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो कि ना छूटन किया जय जय श्री राधा रमण जय जय नम किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पग वंदन किए तो ना सत विघ्न अने श्री राधा रमण लाल की श्री राधा रानी की श्री सीताराम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास देव भगवान की जगत जननी गौ माता की भारत माता की अपनी हृदय अपनी मन अपनी बुद्धि और अपने चित्त को पावन करने के लिए कुछ क्षण हम श्री हरि नाम संकीर्तन करते हैं तत्पश्चात कथा की ओर हम अग्रसर होंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे और जोर से प्रेम से कहिए छीन लिया मेरा भोला सावन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 छीन लिया मेरा जय हो छीन लिया राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला
राधा रमण प्यारे राधा रमण सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया भक्तों का जीवन निर्धन का धन भक्तों का जीवन निर्धन का धन और दोनों हाथ ऊपर करके बोल बांके बिहारी लाल की राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण छेड़ लिया मेरा भोला समन छेड़ लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण हो राधा रमण प्यारे राधा रमण यमुना के जल में वही शाम खेले यमुना के जल में वही शाम खेले लहरों में उछले और मारे डोरे लहरों में उछले और मारे डोरे बिछुड़न कभी कोई मोहन मिलन बिछुड़न कभी न हो मोहन मिलन राधा रमण राधा रमण प्यारे 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 राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण हो 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 राधा रमण प्यारे राधा रमण श्री राधा समय का आज शोभा यात्रा है ना तो हम कथा की ओर शीघ्रता से प्रवेश करके प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल श्री रुक्मणी मंगल विवाह हुआ है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है मैं रोज कहता हूँ ना
भाग्य उदयन बहु जन्म समर जिते न, तब आपके जीवन में अनंत पुण्यों का उदय होता है। तब आपके जीवन में यह दिव्य सत्संग, यह दिव्य भागवत के गुणानुवाद, भगवत तत्व का चिंतन स्मरण होने लगता है। दुर्लभ है यह सत्संग, अत्यंत दुर्लभ, और आप सबको सुनने को मिल रहा है। भगवान की अनंत कृपा है कि इस दुर्लभ भगवत तत्व चिंतन को आपके लिए आज सुलभ कर दिया है प्रभु ने। इस कथा के रूप में भगवान ने अवतार लेके जीवों को अनंत सौभाग्य प्रदान किया है। प्रेम से कहिए तो अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाचा कल्पतरु, भगवान श्री कृष्णचंद्र की अहिंतिक अनुकंपा और कृपा से आज श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस है, और उस सप्तम दिवस में आप सबको व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और आप सबका बहुत हृदय भाव से स्वागत है। सभी विराजित हो जाएंगे जल्दी यथाशीघ्र। हम भक्तमाल की कथा से प्रारंभ करेंगे। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ करेंगे। तो एक बार एक पंडित जी होते हैं, एक वैष्णव पंडित जी होते हैं, जो भगवान की खूब सेवा करते हैं। चतुर्भुजी भगवान, भगवान नारायण की दिव्य मूर्ति देखी ना, चतुर्भुजी वाला, चतुर्भुजी स्वरूप का खूब सेवा करते हैं पंडित जी। उनको रोज नहलाते हैं, रोज नहला के उनको पोंछते हैं, फिर उनके ऊपर दिव्य पुष्प, दिव्य चंदन, दिव्य इत्र, फिर उनकी दिव्य आरती, फिर उनका दिव्य श्रृंगार, फिर उसके बाद भोग की सेवा। इस प्रकार से पंडित जी खूब करते हैं। उसको एक भील जाति का, एक भील जाति का मनुष्य रोज उनको देखा करता था उस सेवा को, और उसका नाम था चक्रित भील। प्रेम से कहिए श्री राधे। वह चक्रित भील जब देखता था कि भगवान की सेवा, भगवान की आराधना रोज हो रही है, और मैं अपने जीवन को व्यर्थ खो रहा हूं, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी भगवान के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, तो वन जाता हूं ना, तो जो भी अच्छा रहेगा ये मैं भगवान को ही अर्पण कर दिया करूंगा। तो साहू जी कभी ना वो बहुत सुंदर फल लाया करता था, और जंगल में एक चतुर्भुजी भगवान का एक छोटा सा मंदिर था, उसमें वो भोग लगाता था, भोग लगाने के बाद खुद पाया करता था। कभी वो जंगल से जंगली फल लाया करता था, कभी गांव से, जो गांव में पपीता, केले, जो भी उसको मिल जाए अच्छा वो लाता था। प्रेम से कहिए, और भगवान को वो रोज नित्य भोग लगाता था, बस ये भोग की ही सेवा वो कर रहा है। प्रेम से कहिए, एक दिन इतना ज्यादा वो आतुर हो जाता है कि भोग लगाते लगाते अब वो क्या कर रहा है, पहले फलों को खुद खाता है, और जो स्वादिष्ट फल होता है ना उसी को बस भगवान को भोग लगा रहा है। प्रेम से कहिए,
जल्दी विराजित हो जाएंगे। इसी प्रकार से उसकी जीवन जो दिनचर्या है वो बीत रही है। जब भी कहीं जाता जो सबसे सुंदर भगवान को अर्पण करने का योग्य होता था, जो सबसे सुंदर स्वादिष्ट फल हुआ करते थे, उनको नित्य ला करके भगवान को वो अर्पित करता था। अगर वो कोई शिकार भी करता था ना, खरगोश का शिकार कर लिया या कुछ भी कर लिया, तब भी वो भगवान को अर्पण कर देता था बहुत शुद्ध भाव से। उसको ये पता नहीं है साहू जी कि क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। वैष्णव परंपरा में तो लहसुन और प्याज भी वर्जित है, पर ये कोई परंपरा का भक्त नहीं है। चार संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय के मुख्य चार संप्रदाय है। बाद में और भी दो चार संप्रदाय और हुए हैं, प्रेम से कहिए श्री। तो वो किसी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, उसका कोई गुरु भी नहीं है। बस उसने एक भक्त को देख, एक पंडित जी को देखा है और उसके हृदय में लगा है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं। अब एक दिन ऐसा होता है साहू जी कि वो जंगल गया रहता है और जंगल में वो बहुत सारे फल तोड़ता है और सबको चक चक के देखता है। एक फल उठाया, चखा, फेंका, अच्छा नहीं है। दूसरा, अब वो फलों का स्वाद दे रहा है तो ऐसा करते करते एक बहुत अत्यंत स्वादिष्ट फल उसके हाथ में आता है और वो जैसे ही चखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि अत्यंत स्वादिष्ट है, पर चखते ही वो गले के पास आ जाता है। अब उसको भगवान को इसी फल को भोग लगाना है तो वो क्या करता है कि भगवान के पास जा करके अपने गले को दबाया है, निगलता नहीं है उसको। उसी चतुर्भुजी भगवान के पास गया है और जो अपना फरसा होता है ना, उस फरसा को निकाला है और अपनी गर्दन को काट दिया है और उस फल को निकाल करके भगवान को अर्पित किया। प्रेम से कहिए, जब भगवान को उसने अर्पित किया है, जैसे ही अर्पण करने के बाद तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, पर चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए उसके फल को ग्रहण करने के लिए। कुछ समय के बाद भगवान कृपा करके उसको पुनः जीवित करते हैं और उसको अपने हृदय से आलिंगन कर लेते हैं। उसके लिए चार आंसू बहाते हैं। प्रेम से कहिए, तो कहने का तात्पर्य है कि मैं रोज ऐसे भक्तों की कथा आपको सुनाया करता हूँ जिससे आपको सीखने को मिले कि आप कुछ भी न करो ना तो एक ऐसा कोई उपाय ढूंढ लो जिससे आप भगवान को खूब रिझा सको, खूब मना सको। प्रेम से कहिए, तो रंग दुनिया के क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। रंग दुनिया की क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। किनके किनके लिए काफी है हाथ ऊपर, कि और कुछ चाहिए संसार का? सोच लो, सबके पति को बोल दूंगा कोई गहना वहना नहीं खरीदना है, फिर कुछ नहीं मिलेगा फिर। हाँ, अभी यहाँ कथा में हाँ बोल रहे हो, थोड़ा सा कोई त्योहार आएगा ना तो फिर चालू हो जाते हो आप लोग। प्रेम से कहिए, सच मानो, यकीन मानो मेरा कि जब आप अपना सर्वस्व भगवान को ही मान लेते हैं ना, तो फिर आपको न गहनों में, न ये साज सज्जा में, न किसी चीज में मन लगेगा। केवल और केवल बांके बिहारी के हृदय से आपका हृदय जुड़ जाएगा और उन्हीं का प्रेम आपको सर्वस्व लगेगा। क्या आपको लगता है कि मीराबाई कोई श्रृंगार करती थी, कि कर्माबाई जी कोई श्रृंगार करती थी, कर्मेती बाई कोई श्रृंगार करती थी? कुछ करते थे ये लोग? कुछ नहीं करते थे। गोपियां कोई श्रृंगार करती थी? कल बताया ना मैं, होंठ में लगाने का जो सामान होता है उसको आंखों में लगा रहे हैं, और आंखों में जो काली काली जो चीज लगाते हो ना आप, काजल, उसको होंठ में लगा रहे हैं। ये दशा है, तब भी बांके बिहारियों के ऊपर लट्टू हैं। प्रेम से कहिए, तो आप केवल और केवल भगवान को अपना सर्वस्व मान करके, उनको ही अपना जीवन धन मान करके, जब आप उनको भजते हैं ना, तो ऐसे चक्रित भील जो किसी किसी गुरु से ना दीक्षा लिया है, ना किसी प्रकार की वैष्णवी परंपरा में वो गया है,
उसको भी अपने हृदय से लगा लेते हैं भगवान। बाद में उसकी दीक्षा की भी कथाएं हैं, बाद में उनको गुरु भी मिले हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान को अगर आपको पाना है ना, तो अगर आप हृदय से तड़प रहे हैं तो आपको भगवान मिल जाते हैं। प्रेम से कहिए तो किनको किनको तड़पना है भगवान के लिए? सबको तड़पना है। और भगवान का दर्शन किनको किनको करना है इसी जन्म में? सच बता रहा हूँ, फिर संदेह नहीं करना। चक्रित भिन्न ने संदेह नहीं किया था, है ना? और कल सब लोग ने बोला ना कि कौन कौन भोंदू बनेगा, बोला हूँ तो सब लोग हाथ खड़ा किए थे आप, है ना? तो भोंदू जैसा भक्त निर्मल मन जन सोम ही पावा। निर्मल मन को आप अपना बढ़ाते चले जाओ, खुद बाय खुद भगवान आपके ऊपर अनंत कृपा अनुग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। साहू जी, आपने देखा है, मैंने बोला था एक दिन मुर्गी पालने वाले लोग कितने बढ़ गए हैं करके, उनके पास कितना पैसा होगा सोचो। मछली पालन होता है, पहले तो तालाब और नदी से मछलियां होती थी, आजकल तो मछली पालन होकर के भी बेचा जा रहा है। इनके पास भी धन की कमी नहीं है। जुआ सट्टा खिलाने वाले के पास धन की कमी नहीं है, दारू बेचने वाले के पास धन की कमी नहीं है, तो एक भक्त के पास कैसे धन की कमी हो सकती है? बताइए, हो सकती है? तो कैसे कोई सोच लेता है कि भक्त निर्धन है? नहीं हो सकता साहब, उसके जैसा धन अभी आएंगे सुदामा जी की कथा आगे बताऊंगा कि कौन धनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचो कि बाद में भगवान ने उनको दिया इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उनके जैसा धन किसी के पास नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को सुदामा जी ने क्या दिया जिसके कारण वो धनवान हुए। लोग उस अंतर की बात को समझ नहीं पाते, बाह्य दृष्टिकोण से सुनते हैं ना, बाहरी बाहरी। मैंने बोला ना, समुद्र की मैं लहरों में आपको ले ही नहीं गया, मैं तो सीधा आपको अंदर ले गया हूँ। लगा जरूर है कि हम डूब जाएंगे ऐसा करके, लेकिन डूबोने ही तो आया हूँ आप सब। पर बांके बिहारी के प्यार में और किसी चीज में नहीं, श्याम सुंदर के प्रेम में डूबोनों के लिए आया हूँ मैं। ये सात दिन से जो कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की, ये वही समुद्र है जिसमें भगवान रहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इसमें डूबना है आप सब लोग, और वो भगवान का अनंत प्रेम जो ध्रुव जी, प्रहलाद जी, गोपियां, पांडव, न जाने कितने भक्त हैं, जो वो अनुभव करते हैं वो आप अनुभव कर सकते। प्रेम से कहिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो भगवान का विवाह होता है, और जब विवाह होता है खूब बधाइयां होती है, चार पांच दिन तो उत्सव ही मनाने में बीत जाता है। फिर उसके बाद भगवान की दिव्य लीला रुक्मणी जी के साथ और बहुत सारी होती है। कभी रुक्मणी जी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं, कभी वो उनसे बहुत लाड़ लड़ाती हैं, जैसे पति पत्नियों में होता है ना, खूब वैसे ही हो रहा है। प्रेम से कहिए उनको खूब मनाते हैं भगवान, खूब लाड़ लड़ाते हैं उनके साथ। और आगे एक समय ऐसा आता है कि वो गर्भस्थ हो जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और उस गर्भस्थ बालक जब जन्म लेता है तो उसका जो एक राक्षस होता है संबरासुर नाम का, वो उस बालक को लेकर के आकाश में चला जाता है, उसको समुद्र में छोड़ देता है। एक मछली उसको खा जाती है, एक मछुआरा उसको पकड़ता है, राजा के पास ले जाते हैं उसको, राजा का जो खाना बनता है वहाँ। और ये राक्षस है संबरासुर, उसी के राज्य में ले जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। उस मछली को फाड़ा जाता है तो उससे एक बच्चा निकलता है, उसको वही काम करने वाली उस राजा के यहाँ, उस राक्षस के यहाँ वो देखती है, वो निसंतान होती है, उस बच्चे को पालती है, अंत में वो एक दिव्य अप्सरा होती है। भगवान उसको उसके पूर्व जन्म की यादें दिलाते हैं, वो बहुत ही योग माया से परिपूर्ण होती है।
और प्रद्युम्न नाम रखा जाता है उस बालक का। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की। प्रद्युम्न जी का पूर्व चरित्र भी सुनाया गया है कि वो कामदेव के अवतार थे। एक समय जब राक्षसों को मारना था और उन राक्षसों को ऐसा वरदान मिल गया था कि भगवान शिव का ही अंश उनको मार सकता है और महादेव समाधि स्थित है, तो कामदेव ने उनकी समाधि भंग की, भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भंग हो गए। अब इस कहानी से चीज सीखो, काम का भंग कैसे होगा? कामदेव को जलाया नहीं ऐसा हो, कामदेव तो अजर अमर अविनाशी थे, क्या उसके बाद कामदेव नष्ट हो गए क्या? नहीं, नष्ट नहीं हुए ना, उनका बाह्य आवरण प्रवृत्त हो गया। दो चीजें हैं, एक काम है और एक निष्काम है। जब कामदेव को जब आपने तीसरे नेत्र से देखोगे ना तो आप निष्काम हो जाते हो। जब इस संसार को तीसरे नेत्र से देखोगे तो आप निष्काम हो जाते हो, और जब इसी संसार को आप दूसरे ये दोनों नेत्रों से देखते हो तो आप सकाम हो जाते हो। हर तरफ कामना ही कामना, मोह ही मोह, वासना ही वासना, ये दो आंख जिसको देख लेती है उसके ऊपर आप मोहित हो जाते हो। लेकिन जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो आप उन कामनाओं से मुक्त होकर के परब्रह्म के उस आवरण में आसक्त हो जाते हो। प्रेम से कहिए तो महादेव का तीसरा नेत्र खुलने का तात्पर्य एक यह भी है कि जिस दिन आप अपने तीसरे नेत्र के ऊपर, अपनी दिव्य दृष्टि के ऊपर, देखो दिव्य दृष्टि बोला है, दिव्य दृष्टि का मतलब जहां भी आप देखोगे आपको दिव्यता ही नजर आएगी, आपको कहीं शुद्र दिखाई नहीं देगा, अपवित्रता नजर नहीं आएगी, हर तरफ दिव्यता ही नजर आएगी। प्रेम से कहिए तो उसको क्या कहा गया है? दिव्य दृष्टि। तो इस प्रकार से कथा का वर्णन है। वो बालक बड़ा होता है और सम्राहसुर का वध करता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे इस मंतक मणि की कथा है। इस मंतक मणि सत्यभामा जी के पिताजी, वो एक बार तप करने गए और वहां से जब आए तो वो मणि भगवान सूर्य ने उनको प्रदान कर दी थी। जब द्वारिका में प्रवेश किया है तो वो मणि बहुत चमक रही, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सूर्य खुद नीचे उतर आए। प्रेम से कहिए श्री राधे। सबने अब जब वो राजसभा में आए, कृष्ण के सामने उनको दरबार में प्रस्तुत कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि आपको जो वरदान मिला है, किस मणि को आपने धारण किया है, इस मणि से रोज आपको सोने की मोहरे मिली, स्वर्ण वो स्वर्ण उत्पन्न करने वाली थी, तो आपको जितना चाहिए उतना ले जाया करिए, बाकी राजकोष में जमा कर दीजिए जिससे प्रजा का भला हो। वो नहीं मानता है, ये मेरी मणि है, ये मैं ले जाऊंगा। फिर उसका भाई उसको धारण कर लेता है, वो घोड़े पे सवार होकर के वन की ओर जाता है, वहां उसको एक व्याघ्र ने खाली है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और उस व्याघ्र के खाने पर वो व्याघ्र उस मणि को लेकर के जा रहा था, उसको जामवन जी देख लेते हैं। जामवन जी ने उस व्याघ्र को मार दिए और उसके बाद उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया है, जामवंती को। इधर सत्यभामा जी के पिताजी भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए हैं कि यही इन्हीं ने वो मणि को चुराई है, और भगवान उस मणि के चोरी के जो कलंक उनको लगा है ना, उसके निवृत्ति के लिए खुद वन गए हैं। वन जा करके देखा है तो उसके भाई के जो सत्यभामा जी के पिता के उसके भाई हैं। प्रेम से कहिए उनके वस्त्र बिछे हुए हैं, खून सा है, और आगे जाके देखा है तो व्याघ्र का मरा हुआ शरीर के कुछ अंग दिखाई देते हैं। थोड़ा और आगे देखा है तो एक गुफा है, गुफा के अंदर प्रवेश किया है तो एक बच्ची, एक युवती उस मणि को खेल रही होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने उस मणि को जैसे लेना चाहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी है, पिताजी पिताजी पिताजी, और उसको सुन करके जामवंत जी आते हैं। जामवंत के साथ भगवान का खूब युद्ध होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अंत में जामवंत जी थक जाते हैं,
और जब थकते हैं तो बोलते हैं कि जब त्रेता युग था ना तो मैंने किसी से युद्ध नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं है केवल भगवान श्री राम के अलावा, और वो युद्ध मैं उनसे कर नहीं सकता था। प्रेम से कहिए कौन कौन भाव समाधि में जा रहा है, हाथ खड़ा कर। भाव समाधि में नहीं जाना है, कथा श्रवण करो। देखो मैं सुदामा चरित्र की ओर आपको शीघ्रता से ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज समय कम है, हम लोग लेट से आए हैं, 4 बजे शोभा यात्रा निकालनी है। प्रेम से कहिए, और अभी 3 बज गया है, तो जामन जी कहते हैं कि उस समय मैंने श्री राम जी से युद्ध नहीं किया था, और मैंने प्रभु को कहा था, प्रभु ने जब मुझको यही रहने को कहा कि मैं पूर्व जन्म, अगला जब मेरा जन्म होगा कृष्ण जन्म, उसमें मैं आपको दर्शन दूंगा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप ही वासुदेव श्री कृष्ण हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि मैं ही वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, मेरा ही जो पूर्व जन्म है वो श्री राम जी का है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर जामवंत जी इच्छा करते हैं कि मैं वही स्वरूप देखना चाहता हूँ राम जी का, फिर उनको वो दर्शन करवाते हैं, कहते हैं कि प्रभु कि मेरा इस पुत्री के अलावा कोई नहीं है, और इस पुत्री का भी मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का अपहरण कर लीजिए। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की और जामवंती को स्वीकार किया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब उस मणि को लेकर के भगवान जब सत्यभामा के पिताजी के पास आते हैं, उनको प्रदान करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं गलत हो गया और भगवान मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, सभी लोगों की नजर से गिर जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया है, उस मणि को भगवान को ही अर्पण कर दिया है, और साथ ही साथ अपनी पुत्री को भी उनके साथ विवाह करवा दिया है। अब सत्यभामा जी और जामवंती जी का भी एक साथ विवाह हुआ है, किनके साथ, ठाकुर जी के साथ। प्रेम से कहिए, देखो अब समय चालू हो रहा है भगवान के विवाहों का। आगे का प्रसंग इस प्रकार का है कि भौमासुर का उद्धार किया है। ये भौमासुर के पास 16,100 राजकुमारियां थी, जिनको ये कैदी बना के रखा था। प्रेम से कहिए श्री राधे। और वो चाहता था कि मेरे पास 20,000, अभी तो 16,100 बस हुई है। तो भगवान उस भौमासुर के पास जाते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं, और उस 16,100 राजकुमारियों के साथ इनका भी विवाह हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो कहती हैं कि प्रभु अब हमारा कौन है, ये समाज हमें कहाँ स्वीकार करेगा। तो भगवान की जब समाज स्वीकार नहीं करता जिनको, उनको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे का प्रसंग में प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का प्रसंग सुनाते हुए, अनिरुद्ध का उषा और उषा के साथ उनका प्रेम जो होता है, उनकी कथा सुनाई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध होता है, ये कौन है, उषा जी के पिता है, उस प्रेम को ये मानने नहीं देते और अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। जब अनिरुद्ध को बंदी बनाते हैं तो भगवान आते हैं, उनके साथ खूब युद्ध करते हैं। भगवान अपना सुदर्शन निकाल करके जब इनके ऊपर डालते हैं कि ये परमधाम को पहुंचे, तो भगवान शिव आके उनको रोक लेते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा लग रहा है, स्पीड चल रही है कथा, तो टाइम पे क्यों नहीं आए, 11 बजे बोला था तो। अब जल्दी नहीं करते महाराज जी, जल्दी नहीं करते, लो अब जल्दी एक्सप्रेस है अभी। प्रेम से कहिए। तो इस प्रकार से बाणासुर को भगवान शिव बचा लेते हैं, फिर भगवान उसको क्षमा करते हैं, और फिर उषा और अनिरुद्ध का खूब मंगल विवाह किया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर आगे पौंड्रक की कथा आती है। ये पौंड्रक ये बहुरूपिया है, डुप्लीकेट, अभी थोड़ी ना था बहन डुप्लीकेट फोटो कॉपी, उस समय भी था।
और अब तो कागजातों का ना फोटो कापी होता है, पहले इंसानों के भी फोटो कापी हुआ करते थे। और ये पोंडरक हूबहू भगवान के जैसे ही सस्ता था, सिंगार करता था, उनके जैसा सुदर्शन पकड़ता था, अपने सिंहासन पर शेषनांग बनवा के रखा था और थोड़ी सी माया भी विद्या सीख ली थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाता था, एक को अपने चाचा के एक भाई को बलराम जी बना के रखा था, एक द्विज वानर को हनुमान जी बना के रखा था और दो चार और असुर राजाओं को अपने साथ ले लिया था। और वो असुर राजाएं उस नगर में उस क्षेत्र के आसपास पूरा ढिंढोरा पिटवा दिए थे कि ओरिजिनल वाले तो यही है पोंडरक वासुदेव। प्रेम से कहिए श्री राम। तो किनको किनको डुप्लीकेट बनना है? अरे किसी को नहीं बनना। मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई तो हाथ खड़ा करेगा, कोई कोई नहीं किया तो ताली बजा दे। मतलब ध्यान से कथा सुनी जा रही है। तो ये पोंडरक बहुत उत्पात मचाता है, बहुत भगवान की निंदा करता है। एक दिन द्वारिका में असुर को भेजता है और वो जानता नहीं कि द्वारिका में सुदर्शन रक्षा करते हैं। उस असुर को सुदर्शन मार डालते हैं। फिर हनुमान जी को भगवान भेजते हैं कि जाओ उसको संभालो, उनको चेतावनी दो। हनुमान जी जा करके सारा विध्वंस कर देते हैं, जैसे लंका को जलाया है ना, लंका का विध्वंस किया, ऐसे पोंडरक की नगरी का भी विध्वंस कर दिया। तो ये पोंडरक भी बहुत परेशान हुआ और बोला कि अगर मेरा विध्वंस किया है ना तो मेरे वाले हनुमान को भी भेजो इनके यहाँ। और वो द्विज भी गया है, द्विज द्वारिका में प्रवेश करके नगरों को तोड़ फोड़ रहा था। तो बलराम जी आते हैं, बलराम जी उनको चले जाने के लिए कहते हैं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम चले जाओ। वो नहीं मानता तो एक मुट्ठी का उनके सिर पर मारी है, जैसे मारी है उसके प्राण निकल करके श्री राम। प्रेम से कहिए, अब एक्सप्रेस में बैठ गए हैं। और फिर पोंडरक के साथ भी भगवान का युद्ध होता है। पोंडरक का भी कल्याण किया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे का प्रसंग देवर्षि नारद जी का है, भगवान की गृहचर्या को देखना। एक बार नारद जी के मन में आता है कि भगवान की तो 16108 पटरानी है और भगवान ने सबके साथ खेल खेला है, आज भगवान के साथ हम खेल खेलेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बोलते हैं कि नारद जी पहले सत्यभामा के महल में प्रवेश करते हैं और सत्यभामा के महल में प्रवेश करके बोलते हैं, प्रणाम देवी प्रणाम। अरे देवर्षि नारद जी आइए आइए, आप ब्राह्मण देवता हो, आसन दिया है, खूब सेवा सत्कार की है। और फिर पूछ रहे हैं सब ठीक है ना? हाँ 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 सब सब ठीक, बड़ा आनंद है हमको, हम तो भगवान की पटरानी, हमें क्या कमी हो सकती है। ठीक ठीक अच्छा है, अच्छा है, कोई कमी तो नहीं कर रहे ना भगवान? हाँ कोई कमी नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा था कि रुक्मणी जी को ज्यादा समय दे रहे, अभी अभी हमके यहाँ से आ रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब भी देखता हूँ तो रुक्मणी जी के ही मन में रहते हैं, इस प्रकार से बातें बोलने लगे हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक कक्ष से बाहर आते, अरे नारद जी आप क्या कर रहे? अरे प्रभु प्रणाम प्रणाम, बस यूं ही घूमने निकला था तो सोचा आपका दर्शन करता चलूं। हाँ 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 चलो बैठो हमारे साथ भोजन कर लो। फिर ठाकुर जी ने उनके साथ भोजन करवाया तो बोले कि हाँ आज सत्यभामा को समय दे रहे होंगे भगवान, इसलिए उनके महल में थे। अब वो जामवंती जी के महल में जाते हैं, सेम वैसी बात करते हैं कि ठीक है ना सब, मैं तो देखा कि सत्यभामा के यहाँ भगवान 24 घंटे रहते हैं, आपको समय ही नहीं दे रहे, कितनी दुख की बात है। उसी समय भगवान फिर स्नान करके आते हैं और बैठते हैं। अरे नारद जी आप आओ आओ आओ, अरे देवी इनकी सेवा सत्कार की है कि नहीं की है, चलो बैठो बैठो अभी हम ब्राह्मण भोज करवाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राम। नारद जी हैरान हो जाते हैं, मेरे से शीघ्र निकल के कैसे आ गए? अब देखो भगवान तो है सबको पता है, पर फिर भी परीक्षा लेने के लिए गए हैं ना। ऐसे करते करते बारी से एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करते गए।
और प्रवेश किया है हर किसी के महल में। देखिए कि भगवान हर किसी के महल में थे। नारद जी का भोजन कर करके पेट इतना बड़ा हो गया, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने खूब उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे ना, भगवान ने उनकी परीक्षा ली। ठाकुर जी हैं, कोई उनकी परीक्षा नहीं ले सकता। देखो इसका कारण भी है, हम परीक्षण उसी का ले सकते हैं जो बाह्य आवृत्ति ये संसारिक पदार्थ है ना, उसी का सिर्फ परीक्षण कर सकते हैं। हम परमात्मा का परीक्षण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो निर्गुण है, और निर्गुण है, स्वयं प्रकाश में है और स्वराट है, वो किसी के अधीनस्थ नहीं है। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा ये तो भगवान के अधीन में है कि नहीं है? ये संपूर्ण प्रकृति किसके अधीन में है? भगवान के अधीन में है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवान ने व्यवस्था की है, और एक किसी का अधीनस्थ है, फिर दूसरा किसी और का अधीनस्थ है, फिर तीसरा किसी और का अधीनस्थ है। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के अधीनस्थ सभी हैं, और ब्रह्मा जी किसके अधीन में है कौन बताएगा? बताया था ना दूसरे दिन की कथा में, कौन? विष्णु भगवान। पहले क्या बोले थे? हाँ, विष्णु भगवान बोले हो तो सही बात है। श्रीमन नारायण हरि के ही वश में सभी हैं, इसलिए उनका कोई परीक्षण नहीं कर सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे। और दूसरी बात, नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। उनको लग रहा था कि मैं परीक्षण करने आया हूँ, लेकिन वो परीक्षण करने नहीं आए हैं। भगवान ने स्वयं इच्छा की है तो मन उनका परीक्षण कर रहा है। चाहते हैं दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं, देखो भैया हमने 16108 रखी है ना, तो एकदम टाइम टू टाइम समय दे रहे हैं सबको। 16108 रूप भी बना दिया है, आप कहीं ये गलती मत करना। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक यही खुश रहो, एक को तो समय दो। अब थोड़ी सी तो बातें बोलूंगा ना, शिक्षा है। प्रेम से कहिए। और लोग ना समझे, इसका उल्टा ले लेते हैं। अरे भगवान का मजबूरी था, अगर वो राजकुमारियों को स्वीकार नहीं करते तो समाज उनको किस दृष्टिकोण से देखता? इसलिए भगवान ने करुणा करके उनको अपना लिया है। जामवंती जी को क्यों अपनाया है? क्योंकि जामवंती जी परम भक्त हैं और आग्रह कर रहे हैं, कभी कुछ मांगा नहीं है ना। पूर्व जब श्री राम थे तो कुछ मांगा नहीं, इसलिए। और सत्यभामा जी जब से पैदा हुई थी तब से केवल एक ही को चाहा था, वो भगवान कृष्ण। एक ही जिससे प्रेम करती थी वो भगवान कृष्ण थे, इसलिए उनको अपनाया था। ऐसे करते करते उनकी 16108 पटरानियां हो जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इस प्रकार देवर श्री नारद जी का भी खूब स्वागत हुआ है। नारद जी खूब भोजन कर करके दो चार दिन सिर्फ पाचन तंत्र को ठीक कर रहे हैं, समझो। प्रेम से कहिए श्री राधे। भैया एक भजन गा दे। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दोता, ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दोता। मुझको तो पहचान मधुर सुना दोता, वो कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दोता।
से भी गहरे मेरे प्यार के गहराए। लोक लाज कुल के मर्यादा तज करे मैं तो आए। मेरी प्रीति से ओ निर्मोही, मेरी प्रीति से ओ निर्मोही, अब ना बनो अंजा मधुर सुना दो ता कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान मधुर सुना दो ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो मधुर सुना दो मधुर सुना दो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री राधा रमण लाल की हो। देखो कितना सुंदर भजन गाया, एक बार 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 ताली बजा देंगे। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता। गोपी का भाव है, सीरियल वाली गोपी का नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये गोपी का भाव है, उस सीरियल में उसको लगाया गया है। प्रेम से कहिए और ये मधुरता क्या है, यही तो कथा है। ये कथा ही समझो मुरली का स्वर है, जिसको आप सुन करके मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं। सही है ना, जब कोई कथा चलती है तो आप मंत्र मुग्ध होने लगते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब आगे भगवान के द्वैत सखा श्री सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब एक्सप्रेस में चलें कि लोकल ट्रेन में चलेंगे? प्रेम से कहिए, पैदल चलते हैं फिर। कृष्णस्यासीत सखा कस्सिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। देखो भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी, और सुदामा जी के बारे में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वत्तमः। कौन जानता है इसका अर्थ? हाथ खड़ा करे, कौन जानता है इसका अर्थ? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वत्तमः। सुदामा जी क्या है? सबसे पहले ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मविद्वत्तमः है, मतलब जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने सभी प्रकार की विद्याओं को जान लिया है, जिसने परमात्मा के सारे रहस्यों को जान लिया हो, उसको तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वज्ञ महापुरुष। तो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वत्तमः का मतलब होता है जिसने परमात्मा को जान लिया हो, जिसने परमात्मा को पा लिया हो, जिसके हृदय में ऐसा आ गया है कि अब तो जो है ना केवल कृष्ण है और कुछ नहीं है, केवल एक तत्व है, वो है कृष्ण तत्व। जो इन बात देखो, मैं नित्य स्तुति करता हूँ। क्या स्तुति करता हूँ? वंशी विभूषित करा नवनीर
पिता पीतांबर दरुण बिंब तत्व फलोंदरुष्ठा पूर्ण इंदु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि हि तत्व अहम् न जाने। मतलब कृष्ण से बड़ा और कोई तत्व नहीं है। इस तत्व को जानने वाले पुरुष को ब्रह्मवित्तमः कहा गया है। और फिर कह रहे हैं विरक्तः। विरक्त का मतलब है परम वैरागी है, जो किसी भी चीज में आसक्त ना हो उसे वैरागी कहते हैं। एक होता है त्यागी, जिसने किसी चीज का त्याग कर दिया है। ये त्यागी से भी जब आप ऊपर उड़ जाते हैं तो आप वैरागी होते हैं। वैरागी किसी का त्याग नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है साहब जी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, किसे मैं त्यागूं? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं त्यागूंगा किसको? भाव समाधि में जा रहे हैं माता, ताली बजाओ उसके। धीरे धीरे भाव समाधि में सुदामा जी का चरित्र है ना, तो समाधि अनायास ही लग रही है। प्रेम से कहिए तो सुदामा जी क्या है? पूर्ण वैरागी है। वैरागी का मतलब मैंने क्या बताया? जो जान गया हो कि मेरा मुझ में कुछ ना है, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन आप लोग तो उल्टा बोलते हो, तेरा तुझको सौंपते क्या है कुछ मोर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की बातें थोड़ी अलग है नहीं? तेरा हम लेते, तेरा हम लेते और तुम्हारे पास कुछ होगा उसको दे दो। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम मंदिर में जाके भगवान को देते थोड़ी ना है। कितनी बड़ी बात है शिव जी को 20 रुपये का दूध न चढ़ा करके 2 करोड़ रुपया मांग लेते हम लोग, है ना? ठाकुर जी को 50 रुपये की मिठाई खिला करके 50,000 की नौकरी मांग रहे हैं। प्रेम से कहिए। भगवान भी कहते होंगे कि मनुष्य लोग ज्यादा ऊपर आ गए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। पर सुनामा जी ऐसे नहीं है, विरक्त है, वैरागी है, कुछ नहीं चाहते। इस शरीर और इस मन को, इस बुद्धि को सुख देने के लिए उनको कभी भी बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थेषु, मतलब सभी इंद्रियों में जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हो। भैया इस ये रेडियो जैसा बज रहा है, जैसे रेडियो की सीटी बजती है ना, ऐसा बज रहा है। इसको ठीक करो जल्द। आकाशवाणी सुनाई दे रही है मुझे। नहीं, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसके बाद एक झनकार आता है जो मेरे चित्त को इधर उधर भरता है। प्रेम से कहिए। तो इंद्रियार्थेषु का मतलब होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनको न आंखों का कोई दृश्य भटका पाता है, न मुंह का कोई स्वाद भटका पा रहा है, न अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है, न हाथ से किसी प्रकार का स्पर्श सुख लेने की इच्छा है, न गुप्त इंद्रियों का सुख लेने की इच्छा है। किसी भी प्रकार से सुदामा जी को सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कभी सोचे हो आप क्यों नहीं चाहिए सुदामा जी को सुख? सुदामा चरित्र कथा सुनेंगे महाराज जी, रोएंगे, रो रो के सुनाएंगे, ऐसा मत सोचो। पहली बात तो सुदामा जी परम ज्ञानी है। पहले तो उसको बताऊंगा ना कि वो ज्ञानी कैसे है। किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए सुदामा जी को। आज सुदामा जी को बता रहा हूं कि सुदामा जी ने जीवन में धन क्यों नहीं चाहा। इसलिए नहीं चाहा साहब कि आपके जैसे और हम जैसे लोभी नहीं है सुदामा जी। मैंने बोला ना 20 रुपए का दूध चढ़ा के 2 करोड़ रुपए मांगने में हमको लाज नहीं आता भगवान से।
प्रेम से कहिए, खुल करके बोलते देख लेना प्रभु आप। और तब भी भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमको देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। पर सुदामा जी की मनोदशा ऐसी है कि ये सब उनको ऐसा लगता है जैसे उस दिन बताया था ना भूसी और दाने के बारे में, तो ये भूसी के वत उनको लग रहा है ये दुनिया का उपलब्धि, ये दुनिया की सफलता, ये दुनिया का सुख। हम इतनी कथा सुन लिए हैं साहू जी, जब मैं ना यहाँ अभी तो आप लोग बड़ी कृपा है मुझ पर भगवान की कि चार घंटे बैठा के मैं आपको सुनाता हूँ, नहीं तो जिनको मैं कथा सुनाऊं ना चार घंटे मेरे को सुना देंगे। अगर आप किसी को सुनाने के लिए जाओ तो चार बातें आपको सुनाएंगे, वो ज्यादा ज्ञान की बात। प्रेम से कहिए। तो सुदामा जी क्या है, इंद्रियार्थेषु, मतलब सभी इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। और दूसरा है प्रशांतात्मा, शांत भी नहीं प्रशांत। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्या हो गया, कौन है सुदामा जी? शांत भी नहीं प्रशांत आत्मा है उनकी, आत्मा में इतनी शांति है, इतनी शांति है क्या बताया, कहीं भी हलचल नहीं है। नहीं तो इतनी बाह्य आवरण इनका देख लो ना, जहर खा ले आदमी आत्महत्या। मुझे तो, मैं तो ज्योतिष भी करता हूँ ना, ज्योतिष का काम, तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियां आती है और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि महाराज जी हम आत्महत्या करना चाहते हैं। अब पूछो ना कि आत्महत्या करना चाहते हैं कारण क्या है, ऐसा कारण बताते हैं ना कि मुझे हंसी आती है, फिर मैं हंसता नहीं, हंस दूंगा ना तो लोग बात सोचते हैं इनको हंसी आ रही है मेरे दुख के ऊपर। पर आप जब ज्ञान को उपलब्ध होने लगते हैं ना तो फिर ये सब बेतुकी बातें के लिए ना हंसी ही तो आई। सुदामा जी का कारण तो देखो, अगर आपकी ऐसी दशा हो जाए तो आप तत्क्षण आत्महत्या कर लो। पर सुदामा जी की अवस्था क्या है, प्रशांत आत्मा, तब भी वो शांत है। बहुत बड़ी बात है, जो एजुकेट लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो समझ रहे हैं इस बात को कि कितनी बड़ी बात है। इस अवस्था में भी, इस परिस्थिति में भी, जब हमारे घर में एक दाना तक नहीं है उसमें भी आपके जीवन में शांति रहेगी। जब बुआ कुंती को भगवान ने पूछा कि बुआ आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो कुंती बुआ क्या कहते हैं पता है, हमें कौरवों ने जो दुख दिया है ना वो बड़ा दुख नहीं है। तो क्या दुख है, तो वो कहती हैं छुदा का दुख सबसे बड़ा दुख है। जब व्यक्ति को खाना नहीं मिलता ना, उससे बड़ा दुख उसको और कुछ नहीं रहता जीवन में। अन्न का दुख है, अन्न से जो हीन है ना उससे बड़ा दुखी कोई और हो ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सुदामा जी की ऐसी भी अवस्था है, तब भी वो क्या है, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। और इंद्रियों से आसक्त होकर के कोई कामना नहीं करते, बल्कि इंद्रियों को ही जीत लिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब बताइए, आप सबको ना पता नहीं है, आपने संतों का संग नहीं किया है ना, नहीं तो ऐसी अवस्था में रहे रहे महापुरुष के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि एक बार संकल्प कर देना तो जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि रच गई थी ना, ऐसे वो रच सकते हैं। जिस देवता की उत्पत्ति करना चाहे उस देवता को रच सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान हो सकते हैं। हमारे अंदर ही ऐसी शक्तियां निवास करती है जो सुदामा जी के अंदर पूर्ण विकसित हो चुकी है, योग बल से, अपने भजन के बल से। वो चाहे तो लक्ष्मी जी का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने स्वर्ग में उनके शिष्य को भेजा तो प्रवेश नहीं मिला, तो उन्होंने स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर अपवर्ग रचा था। प्रेम से कहिए, ऐसे सुदामा जी भी इतने ज्ञान से अप्लावित हैं, इतने ज्ञान से भरे हुए हैं, तो चाहे तो अपने लिए एक लक्ष्मी जी को उत्पन्न कर सकते हैं, एक सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, एक दूसरा वैकुंठ रच सकते हैं। इतना सामर्थ्य है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि सुदामा जी नाम के बस सुदामा रह गए हैं, तत्व कृष्णमय हो गया है।
प्रेम से कहिए श्री राधे। और उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है क्या? सुशीला। प्रेम से कहिए श्री राधे। और सुशीला जी का व्यवहार वैसा ही जैसा उनका नाम है। संपूर्ण स्वाभिमानी है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, सुशील है और शांत आत्मा है। अगर वो शांत आत्मा नहीं होती तो सुदामा जी को शांति मिलती साहू जी? अगर आपकी पत्नी सदैव आपको झगड़ा करती रहे तो आप सुखी रहेंगे? नहीं रह सकते ना। लेकिन आप कैसी भी परिस्थिति रहे और आपकी पत्नी अगर आप एकदम शांत, कोई बात नहीं जी, जीवन में तो सुख दुख आते रहते हैं, तो इन सुख दुख के ऊपर ध्यान मत दीजिए और आपको सांत्वना दे तो आप क्या बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, कोई भी दुख आया ना, हम परिवार मिल करके उसको बांट लेंगे और उसको काट भी लेंगे। प्रेम से कहिए। बस ऐसी सुदामा जी की अवस्था है, कुछ बोलती नहीं है सुदामा जी, क्योंकि जानती कि तो परम ज्ञानी है, इनको क्या कहना। अब देखो मेरी कथा के सुदामा जी ऐसे हैं, किसी और की कथा के सुदामा जी कैसे राम जी जाने। और भागवत पुराण में भी यही वर्णन है, ठीक है? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि तरफ सुदामा गरीब। अरे भैया तू गरीब, तेरा बाप गरीब, सुदामा जी गरीब नहीं है। गाता है ना उनको मैं क्या बोलूं, ऐसे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त मह। आपको क्या बताऊं कि वो जो ब्रह्मवित्त पुरुष होता है, मैं बोला ना अनंत सृष्टि को रचने का सामर्थ्य होता है। प्रेम से कहिए। लेकिन इतनी शक्तियों को और ज्ञान को धारण करने के बाद भी सुदामा जी बाह्य परिस्थिति से कभी भी अपने आप को सुखमय वाली परिस्थिति में ढालने के इच्छुक नहीं है। जितेंद्रिय है, शांत है और ऐसे ही उनका जीवन चल रहा है। उनके चार बालक वो भी भूख से विहल हो जा रहे हैं, तब भी सुदामा जी जैसे ब्राह्मणों को पांच घर में जा करके भिक्षा मांगनी चाहिए ना, ऐसे ही पांच घर में जा जा करके भिक्षा मांग रहे हैं। जो मिल जाता है, कभी मिलता है कभी मिल भी नहीं रहा है। एक बार कोई ब्राह्मण आते हैं उनके घर और भिक्षा मांगते हैं। जब वो ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं तो सुशीला जी द्वार खोलती है तो कहती है कि हमारे घर तो एकादशी है। प्रेम से कहिए, हमारे घर तो क्या है, एकादशी है। जबकि उस दिन तिथि एकादशी नहीं होती तो ब्राह्मण कहते हैं कि आज कैसे एकादशी है, आज तो एकादशी की तिथि नहीं है। तो बोली कि तिथि एकादशी नहीं है पर हमारा तो रोज एकादशी चल रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसी बाह्य अवस्था है किनकी? सुदामा जी की। जब उनके बच्चे खाने के लिए रोते हैं ना तो सुदामा जी ठीक है मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। और जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता ना, तो नदी से ना चार गोरे गोरे पत्थर ला लेते हैं जो आलू के जैसे दिखते हैं। और उन पत्थरों को कहते हैं कि मैंने आलू लाया है और इसको मैं उबाल करके आपको खिलाता हूं। और एक मटके में उनको चूल्हे पे रख देते हैं और आग जला देते हैं और उन पत्थरों को पानी के साथ उन आग के चूल्हे में डाल दिया और बोलते हैं कि ये पत्थर उबल रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब थोड़ा देर होता है, पिताजी पिताजी क्या आलू पक गए होंगे? हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं, ये कब आलू मिले? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, मैं देखता हूँ जाकर के। सुदामा जी देखने का नाटक कर रहे हैं, पत्थर क्या पकेगा? अगर आपकी ऐसी दीन दशा हो जाए तो आप क्या बताएं?
लेकिन जब आप भी ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष हो जाएंगे ना, तो आपको बाह्य परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अमीरी और गरीबी का जो परिभाषा लिख दी है ना, तो जो धन से देखो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है धन बल, धन से बड़ा होता है तन का बल, तन से बड़ा होता है मन का बल, और मन से बड़ा होता है आत्मा का बल, और आत्मा से भी बड़ा बल होता है वो है परमात्मा का बल। और सुदामा जी को किनका बल है? तो कौन गरीब कौन अमीर है बताइए। पर हाँ, आप सबके दृष्टियों में लग रहा है, अरे भैया जिसके खाने के ताले के लाले पड़े हों वो क्या है? आपकी परिभाषा तो यही है ना, किसी को तो गरीबी कहते हैं, इसी को दरिद्रता कहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सुदामा जी क्या करते हैं, जाने का नाटक करते हैं और देखते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। बच्चों को कहते हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी इनको पकने में और समय लगेगा, तो ठीक है मैं काम करता हूँ, अपनी बचपन की कहानी सुनाता हूँ। प्रेम से कहिए श्री राधे। और बचपन की कहानी, जब वो गुरुकुल में थे ना, तो भगवान कृष्ण के साथ उनकी जो दोस्ती की यादें थी वो बच्चों को सुनाने लगते हैं। वो इतनी मधुर होती है साहू जी कि बच्चे सो जाते हैं, और ऐसा ही दिन कटता है उनका। प्रेम से कहिए श्री राधे। किसी ने पूछा कि सुदामा जी को ये दरिद्रता क्यों है? किसी महात्मा ने एक संत को पूछा, साहू जी कि ये दरिद्रता सुदामा जी को क्यों है, ये बाह्य दरिद्रता भी क्यों है? इतने बड़े महापुरुष हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं, चाहे तो खुद ही एक लक्ष्मी का निर्माण कर दे, इतने ज्ञान से परिपूर्ण है, 64 कलाओं का ज्ञान था जैसे भगवान कृष्ण को था, ऋषि सांदीपनि के आश्रम में एक साथ पढ़े थे, एक साथ विद्या को अर्जन किया था। आपको ना दो कला का भी ज्ञान हो जाए ना, तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओगे। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उनकी दो कला बस जागृत रहती है। और सोचो इनका 64 कला का परिपूर्ण ज्ञान था। जैसे कर्दम ऋषि ने एक महान विमान रच दिया था ना, पुष्पक विमान से भी पहले, सबसे पहले जहाज का निर्माण किसने किया है? कर्दम ऋषि ने किया है। और आज तक ऐसा विमान बनाने की कोशिश में है वैज्ञानिक लोग, पर आज तक नहीं बना पाए। प्रेम से कहिए श्री राधे। उन लोग उसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल का व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो कर्दम ऋषि का था ना विमान, वो स्वर्ग से भी अति ज्यादा सुंदर था। प्रेम से कहिए। और इससे भी इतने ही महाज्ञानी सुदामा जी भी हैं, पर अपने कोई ज्ञान का निर्माण वो अपने बाह्य सुख के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे जो ज्ञानी वही है जो अपने बाह्य सुख की चिंता ही नहीं करता, वही तो ज्ञानी है। लेकिन हम ऐसे ज्ञानी हैं ना बहन साहू जी, कि हमें जब ज्ञान होता है तो हम अपने सुविधा और सुख का संसाधन जुटाने लगते हैं, पर सुदामा जी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। देखो ध्यान से सुनो इस कथा को, जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसकी 7 जन्म की दरिद्रता मिट जाती है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो जिनको अपनी दरिद्रता, चाहे बाह्य दरिद्रता हो, चाहे मन की दरिद्रता हो, चाहे बुद्धि की दरिद्रता हो, चाहे किसी प्रकार की भी दरिद्रता हो, अगर उसको मिटाना है तो सुदामा जी के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो एक महात्मा थे, उनको एक पंडित जी पूछते हैं कि सुदामा जी के घर में इतनी दरिद्रता कैसे थी, सुदामा जी के जीवन में सुख सुविधा क्यों नहीं है? प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो अपने नेत्रों को जो चंचल प्रवृत्ति के जैसा इधर उधर घुमाता है ना, उसके गले उसके कर्ण रंध्र से कथा श्रवण कदापि नहीं हो सकती। जिनकी इंद्रिया चंचल हो वो कभी भी कथा को उस जैसा श्रवण नहीं कर सकता। एकाग्र चित्त, मैं बोल रहा हूँ प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, और आपकी इंद्रियां कैसी है, भटक रही है। तो जो जितेंद्रिय है उसकी कथा को श्रवण करने के लिए अगर आप 2 घंटे भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करके बैठे हैं, तो कैसे उस महात्मा की कथा को आप समझ पाएंगे बताइए? आप नहीं सुन सकते ना।
अरे जब तुम पात्र ही नहीं हो उन कथा को श्रवण करने का, तो तुम्हें कथा सुनाने से फिर क्या मतलब? और मैं वो वक्ता नहीं हूँ जो अपात्र को फिर वो कथा सुनाऊं मैं। फिर मैं सुदामा जी ऐसे गए वैसे गए और लीला हुई खत्म, रहस्य को नहीं बताऊंगा। नहीं तो फिर एक टिक भगवान को देखो तब कथा सुनेंगे, है ना? देखो आचार्य को ना सब अधिकार होता है। आप बड़की मेरे उम्र से बड़े होंगे लेकिन आप सब अभी मेरे बच्चे हैं। व्यास जी के सभी बच्चे होते हैं। अभी आपने ये कथा श्रवण करने के लिए आया, मैं डांट भी सकता हूँ आप लोग को इधर उधर करोगे तो, ठीक है ना? बहुत सीरियस होके सुनो। आज तो कम से कम सीरियस रहो, अंतिम दिवस है। आज तो वो रहस्य खोल रहा हूँ मैं, नहीं खोलने दोगे तो फिर रस ढूंढने की कोशिश मत करो, बस श्रवण करो तो रस खुद ही भाई आना चालू हो जाएगा। मैं पहले समझाना चाहता हूँ सुदामा जी की भूमिका। सुदामा जी है कौन? इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, जो आप आज तक आप नहीं सुने हैं उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। तो वो महात्मा कहते हैं, देखो एक बार जब सुदामा जी वहां एकादशी थी ऋषि संदीपन के आश्रम में, और उसी दिन सुदामा जी और कन्हैया का ऐसा समय आया था कि उनको वन जा करके जंगल से लकड़ी लानी थी, ये उनको सेवा मिली थी। और दिन एकादशी का चल रहा था, तो एकादशी के दिन किसी प्रकार का आश्रम में भोजन नहीं बनता, सभी व्रत करते थे। तो गुरु माने वो चने होते हैं ना जो भिगो कर खाते हैं, बस वो भिगो के रखे थे। और वो चने सुदामा जी को बोली कि आप इसको ले जाना, है ना, और बालकृष्ण को भी देना, साथ में तुम भी खाना। देखो इसके पहले घटना हुई कि उस आश्रम में एक ऋषि आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और वो ऋषि जब भिक्षा मांगते हैं तो गुरु माँ कहती हैं कि आज तो हमारे आश्रम में एकादशी है, तो एकादशी के दिन कोई खाना पीना नहीं बनता, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको आज भिक्षा नहीं दे सकती, आप किसी गृहस्थ के पास चले जाइए, उनसे आपको भिक्षा मिल जाएगी। तो ऋषि कुछ नहीं कहते और जाने लगते हैं। पर उनके मन में एक सोच आती है कि इतना बड़ा ऋषि का आश्रम है, एक फल भी नहीं होगा जो मुझे भेंट कर देती, मुझे भिक्षा में दे देती। तो वो ध्यान करके देखने लगते हैं, और जब ध्यान करके देखते हैं तो वो चने दिख जाते हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे। और उन चनों को फिर उन्होंने श्रापित कर दिया कि जो इस चने को खाएगा ना वो दरिद्र हो जाएगा, और दरिद्र क्या, महादरिद्र हो जाएगा, प्रेम से कहिए श्री राधे। अब इस बात को सुदामा जी ने सुन लिया है। किसने सुन लिया है? सुदामा जी ने सुन लिया है, और गुरु माने उनको आज्ञा दे दी है कि ये तुम और कृष्ण को खाना है जब जंगल चले जाओगे। और जब जंगल वो चले गए ना, बारिश हो रही है, ठिठुर रहे ठंड से, अचानक उनको याद आता है गुरु माँ का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए से मैं फेंक नहीं सकता और भगवान कृष्ण को खिला नहीं सकता, क्योंकि ये तो बचपन से इतने सुख में पले हैं, इतने ऐश्वर्य में पले हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, दरिद्रता क्या होती है। और वो सारा चना खुद ही खा लिए हैं, और एक खाते तो दरिद्र होते, दोनों के बाद का खा लिया है ना, दोनों के हिस्से का खा लिया है, तो महादरिद्र हो गए। अब बताओ भैया, कृपा कृष्ण ने की है कि सुदामा जी ने की है? आप सब बताइए किसने कृपा की है जी? पीछे वाले कौन अमीर है? जोर से ताली बजाइए। और आप लोग क्या समझ रहे हो, क्या गाते हो? श्री राधे। एक दिन ये महात्मा ऐसे सुना रहे कथा, और ये झूठी कथा नहीं है, यही सत्य कथा है, प्रेम से कहिए। वो है सुदामा जी, ठाकुर जी के ऊपर कृपा की। एक दिन ऐसा होता है साहू जी कि वो बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, तो सुदामा जी मटके को देखते हैं अंदर में जा करके कि मटके में कुछ रखा होगा,
कल मैं भिक्षा से कुछ लाया था तो बना होगा ना, तो बचा होगा तो बच्चों को खिलाऊंगा। तो जब वो मटके के अंदर झांक के देखे है ना, तो एक दाना होता है चावल का। ध्यान से सुनिए, बात मत करिए प्लीज। मैं जो देखो कथा ना, चाशनी की तार की भांति होती है, एक बार टूटी ना तो फिर श्री राधा। सुदामा जी जब उस मटकी के अंदर एक दाना को देखते हैं ना, तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे त्रिलोक का वैभव प्राप्त हो गया है। एक दाना भी नहीं है उनके घर में, और एक दाना भी दिख जाता है ना तो अति प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे त्रिलोक का उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। और उस दाना को एक पत्ते में, क्योंकि उस समय आपके जैसे प्लास्टिक की जो अभी पत्तल आते हैं ना आपको खाने को दिया जाता है, वो नहीं थी उस समय। तो प्लास के पत्ते, बरगद के पत्ते और कुछ कुछ पत्ते होते हैं, उन पत्तों से पत्तल बना करते थे, उनमें खाया करते थे। बर्तन भी नहीं है सुदामा जी के घर में। अरे बर्तन तो दूर की बात, क्या उसके घर में छत तक नहीं थी। और तब भी प्रशांत आत्मा है सुदामा जी के चरित्र से जो सीख लेता है ना, उसको जीवन में उस दुख का सामर्थ्य नहीं कि उसको दुखी कर सके। जो सुदामा जी के चरित्र का श्रवण कर लेता है, जो सुदामा जी की कथाओं को सुनता है, बार बार उनका मनन करता है ना, फिर दुखों का सामर्थ्य नहीं है कि उसके जीवन में कोई उसको दुखी कर सके। सुदामा जी जैसा सहनशील वो बन जाता है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, ऐसा लग रहा है कि त्रिलोक का उनको धन मिल गया है। और उसमें भी क्या करते हैं, एक पत्तल में रखा है उस अन्न के दाने को, और आधे दाने को बीच से काटा है, और उस आधे दाने को भगवान को अर्पण कर रहे हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, जैसे त्रिलोक का धन मिल गया है उनको, और भगवान को उस आधे दाने के लिए भी शुक्रिया कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मुझे हर कदम डगर पे तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके की सारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके की सारा। तेरी ही प्रेरणा से, तेरे ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरे ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तेरे पास से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सुदामा जी उस एक दाने के आधे हिस्से को भी दे करके क्या कह रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक दाने को भी पा करके इतने सुख है उनको, सोच लीजिए। और हमको इतना सारा धन मिल जाने के बाद भी दुखी हो बैठे, कितनी बड़ी बात है। जब आप सुदामा जी के चरित्र का श्रवण करते हैं ना, तो आपको ये बात समझ आती है कि वो के पास कुछ भी नहीं है तब भी इतना सुख है, और हमारे पास पहनने को कपड़ा है, खाने को अन्न है, रहने को घर है, और प्यार दुलार करने के लिए परिवार है, सगे संबंधी है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिलने के बाद आखिरी में क्या बोलते हैं, कहीं अच्छा नहीं लगा जी, यही बोले मेरे को एक जने का आकर के, कुछ अच्छा नहीं लगा। सही बात है ना, सबके जीवन में यही रहता है। तो इसलिए जितेंद्रिय होना सीखो, अपनी इंद्रियों को पालना सीखो सुदामा जी की तरह। और जब एक दाना भी हो ना जीवन में, ऐसा भी आता है समय की ऐश्वर्य बहुत होता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि सारा ऐश्वर्य हो सकता है चला भी जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब हम बाहर ऐश्वर्य को ही अपना ऐश्वर्य समझते हैं ना, तो भगवान याद दिलाते हैं कि बाहर ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य क्या है, आपके मुख की प्रसन्नता है। ऐश्वर्य क्या है, आपकी मन की शांति है। ऐश्वर्य क्या है, आप जब जितेंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रियों का सुख नहीं आत्मा का सुख लेना चाहते हैं, वो है ऐश्वर्य। प्रेम से कहिए। तो सुदामा जी उस आधे दाने से भी तृप्त है, और अपने जीवन का जितना उनका सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है, एक दाना का बस है सारा। और बोलते हैं कि एक दाना भी मुझे हरि की कृपा से मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से, हरि की कृपा से एक दाना भी मिला है, इसमें भी मेरा जरा सा भी पुरुषार्थ नहीं है, कितनी बड़ी बात होगी। और ऐसे दिव्य महात्मा को हम लोग क्या समझ बैठे हैं, अपने दिमाग में उसके प्रति क्या अभ्रंश पाल बैठे हैं। प्रेम से कहिए। ऐसे ही उनका ना जीवन चलता जाता है, और माला ले लेते हैं उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जब आधा दाना भगवान को स्वीकार किया है तो भगवान देख रहे हैं, और सुदामा जी की उस परम अवस्था को देख करके भगवान उनकी गरीबी से नहीं, उनके उस सुख से वो तृप्त हो रहे हैं ना, आधे दाने से भी उस सुख से वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। कैसा जितेंद्रिय अवस्था है, कैसी प्रशांत आत्मा है, कैसे सुख है सुदामा जी का।
रुक्मणी जी को कहते हैं ऐसे सुख के लिए तो बड़े बड़े महात्मा भी तड़पते हैं जिनको प्राप्त नहीं होता, ऐसे सुख के लिए तो बड़े बड़े ब्राह्मणों का भी लाइन लगा हुआ है कतार में, तब भी नहीं मिलता। इस सुख का ना एक अंश का भी टुकड़ा ना इंद्र को प्राप्त नहीं है। इसके समान जो धन है ना जो सुदामा जी के पास, वो तो कुबेर जी के पास नहीं है। क्योंकि रुक्मणी जी देख करके बोलती है उनकी दयनीय दशा को, नाथ आप कहो तो मैं कृपा कर दूं। बोले कि कहीं सुदामा जी के पास मत जाना, सुदामा जी के पास जाओगी तो तुम्हारे ऊपर वो ना कृपा कर दे। प्रेम से कहिए श्री राधा, ये जाना चाहती थी ना उनके ऊपर कृपा करने के लिए। भगवान रोकते हैं कि ऐसी भूल मत करना, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं सुदामा जी के पास जाकर के कुछ करूं, मैं कोई लीला नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कौन महात्मा होगा जिसको मैंने भ्रमित न किया होगा, ऐसे कौन भक्त होंगे जिनको मैंने भ्रमित नहीं कर पाई होगी मेरी माया। लेकिन जब सुदामा जी के पास मेरी माया जाती है ना तो मेरी माया ठगी सी रह जाती है। भेजा हूं, प्रयास नहीं किया होगा अपने द्वैत सखा के लिए। द्वैत सखा किसको कहते हैं? एक है मित्र और एक है सखा। मित्र कौन है? जो हमें कभी कभार मिलते हैं, जुलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, उसको मित्र कहते हैं। और सखा कौन है? सा खादिती सा खेलिती, मतलब जिसके संग हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं बचपन से, उनको हम क्या कहते हैं? सखा। और सुदामा जी क्या है? सखा है भगवान के। तो उन सखाओं के लिए मैंने, उस सखा के लिए मैंने क्या नहीं किया होगा? मैं अपनी योग माया को भेजा हूं कई बार, पर वो योग माया उनका मन नहीं बदलती, सामर्थ्य नहीं है। जब योग माया वहां प्रवेश करती है तो योग माया को ये अपनी इच्छा से बदल देते। प्रेम से कहिए श्री राधे। कहते हैं कि तुम्हारी शक्तियों में अगर कोई कमी रही होगी तो हमें बताइए, हम उस ऐश्वर्य को और प्रदान करेंगे। इतने सामर्थ्यवान है सुदामा, तो कभी ये मत सोचना। देखिए सुदामा की दीन दशा है ना, सुदामा की कोई दीन दशा नहीं है, पर हमारी बाह्य नजर यही बोलती है कि सुदामा जी की तो दीन दशा है। बस सुदामा जी हम सबको ये सिखाना चाहते हैं कि बाह्य परिस्थिति जैसी भी हो पर आप अंदर से अपनी स्थिति को मत बिगाड़ना। बाह्य परिस्थिति कैसे भी खराब हो पर स्वस्थिति को परिवर्तित कभी मत करना। परिस्थितियों के अनुसार जिसने अपनी स्वस्थिति खराब करी है उसी का विनाश हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय। तो देवी सुशीला को बड़ा विचित्र लगता है कि मेरे पति के आज तो फिर तो कुछ और ही लीला होने वाली है लग रहा है। सबको लगता है कि महाराज जी कितने प्रेम से कथा सुना रहे हैं। हाँ महाराज जी का क्रोधा स्वरूप देखोगे ना, देखो महाराज जी हंस रहे, उनको पता है ना। प्रेम से कहिए। तो देवी सुशीला को बड़ा विचित्र लगता है कि मेरे पति के इतने बड़े सखा हैं, स्वयं द्वारिकाधीश सखा है। लेकिन एक मिनट उनको लगता है कि मेरे पति विरक्त हैं, वैरागी हैं, गृहस्थ हो करके भी भगवान का अहर्निश सेवक हैं, अहर्निश उनका नाम जपते रहते हैं, निरंतर निरंतर उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्हें तो बाह्य उपकरणों से, बाह्य संसाधनों से तो विरक्ति आ गई है। उनको तो बाह्य का सुख चाहिए ही नहीं, न मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पतिव्रता है साहू जी। पति जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं ना, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ही पत्नी का परम धर्म है। प्रेम से कहिए। अब देखो सुशीला जी का चरित्र भी जितना सुदामा जी का चरित्र पावन है ना, उतना श्री सुशीला जी का भी चरित्र है।
लोग बल इसमें प्रकाश नहीं डालते हैं, पर अगर समय मिले और भगवान की कृपा होगी ना, तो मैं जब पुनः कथा करने के लिए आऊंगा तो सुदामा जी के चरित्र में ना श्री सुशीला जी का चरित्र सुनाऊंगा। प्रेम से कहिए, जो बाबा तुलसीदास है ना, उन्होंने क्या लिखा है, श्री रामचरित मानस। और बाबा वाल्मीकि जी है ना, जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि हैं, उन्होंने भी रामायण ग्रंथ लिखा है, पर आप उसे ध्यान से पढ़ो ना तो उन्होंने रामचरितमानस नहीं लिखा है, उन्होंने श्री सीता चरितमानस लिखा है। सीता या चरितम, उसका पहला श्लोक ही है सीता या चरितम, यहीं से स्टार्ट होता है। प्रेम से कहिए, ऐसे ही दिव्य चरित्र से भरपूर कोई है तो सुशीला है। प्रेम से कहिए, ऐसी पतिव्रता स्त्री हैं जैसी रुक्मणी, जैसी अष्ट सखियां हैं। प्रेम से कहिए, जो पति का सुख है उसी में अपना सुख चाहती है, पर उनके मन में एक बात आती है कि हम पति पत्नी तो जैसी भी परिस्थिति रहे हम तो रह जाते हैं, पर जब मेरे बच्चे भूख से विकल होते हैं ना, दुखी होते हैं, जब उनकी भूख बढ़ती है और उनके आंखों में आंसू होता है, मैं उस अवस्था को नहीं देख सकती, मैं उस घटनाक्रम को देख नहीं सकती। कोई भी माँ क्या अपने बच्चे को भूखा देखना चाहेगी? नहीं देखना चाहेगी ना। कोई देखना चाहता है तो सुशीला जी भी ऐसा ही सोचती हैं कि अरे जब भगवान स्वयं द्वारिकाधीश इनके सखा हैं, तो कम से कम इनको वहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। इतना समय मेरी शादी को हो गया है, पर एक बार भी इन्होंने चर्चा नहीं की है कि जिन भगवान का नाम ये निरंतर जपते रहते हैं वो भगवान कोई और नहीं इनके सखा हैं। कितनी बड़ी बात है। प्रेम से कहिए, तो श्री सुशीला जी कहती हैं कि स्वामी मैंने सुना है कि आप भगवान श्री द्वारिकाधीश के सखा हैं। अब ये बात ये कभी बताए नहीं रहे थे सुदामा जी, क्यों? क्योंकि जानते थे कि जिस दिन सुशीला को पता चलेगा तो वो सोचेगी कि अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, जो अपनी बाह्य अवस्था है उसको मिटाने के लिए वो द्वारिकाधीश के पास भेजेंगी मेरे को, इसलिए इन्होंने कभी बताया नहीं है, कभी जिक्र नहीं किया है, उनकी कथाओं का बस वर्णन किया है, पर कभी ये नहीं कहा है कि ये मेरे सखा है। प्रेम से कहिए, ये बात गुप्त रखी है और एक रहस्य बता रहा हूं। दूसरा कारण, मैंने भक्त प्रहलाद जी ने जो नौधा भक्ति बताई है ना, उसमें से एक भक्ति क्या है, सखा भक्ति है। और सुदामा जी की भक्ति भी सखा वाली क्या है, अंतर्निष्ठ। वो किसी को बताते नहीं कि द्वारिकाधीश मेरे सखा है, अगर किसी को बता दे तो फिर उनके पास संसाधन की तो भीड़ जम जाएगी। प्रेम से कहिए, श्री राधे, तो सुदामा जी किसी को अपना सखा वाले भाव को बताते भी हैं, तो कहती हैं कि द्वारिकाधीश तो ब्राह्मणों की कितनी सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को कितना मानते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते वहां पे, आपको तो जाना चाहिए। कहते हैं कि मित्र के घर कभी भी कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं वहां जा नहीं सकता। प्रेम से कहिए, श्री राधे, और भी बहुत से तर्क वितर्क होते हैं, तो अंत में सुशीला कहती है कि अरे मैं ये थोड़े कह रही हूँ कि आप कुछ मांगने के लिए जाओ, पर इतने दिन हो गया है, आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते, उनको देखने के लिए क्यों नहीं जाते, आप कैसे रह गए उस श्याम सुंदर से जिनकी कथा आप सुनाते हो कि उनके जो अष्ट सखा हैं वृंदावन में, वो उनके बिना रह नहीं सकते थे। सुशीला नित्य कथा चलती थी ना इनके यहाँ, और उस कथा का प्रभाव इतना था कि इनको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, पेट कथा से ही भर जाता था। प्रेम से कहिए, अब कुछ तो नया सुनाऊंगा, है ना। अलग अलग कथा में हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि अलग अलग कथा जब करो ना, जब कथा में जाओ तो भावों को बदलना सीखो,
कथाओं के गुण रहस्यों को उद्घाटित करना सीखो, प्रकाशित करना सीखो। वही रटी रुटाई कथा ऐसा नहीं सुनाना, लग रहा है कि रटा रुटाया सुना रहा हूं। एक श्लोक बोला हूं, बाकी फिर बता रहा हूं। रटा रुटाया होता तो फिर तो अलग सुनाता। प्रेम से कहिए श्री राम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुदामा जी के हृदय को पकड़ पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुशीला के हृदय को पकड़ पाऊँ। प्रेम से कहिए, तो जैसे ही कहा है ना सुशीला, अरे उस श्याम सुंदर को देखे बगैर तो कोई रह नहीं सकता। अष्ट सखा नहीं रह सकते थे तो आप कैसे इतने दिन तक रहना सीख गए? जैसे जैसे बोला है तो आंखों से आंसू आ गए हैं और मन के जो अंदर भाव में भाव जमे हुए थे ना साहू जी, वो उद्घाटित हो गए हैं और रो रो के कह रहे हैं उससे दूर कौन रहना चाहता है पगली, उनको कौन देखना नहीं चाहेगा, उनसे कौन मिलना नहीं चाहेगा। पर मैं सोचता हूँ कि मेरी इस दयनीय अवस्था को देख करके जब मैं कहूंगा कि ये मेरे मित्र हैं, तो कहीं लोग बाल उनको ये ना समझ ले कि इस दयनीय अवस्था में रह रहे व्यक्ति को भी भगवान ने अपना मित्र बना दिया है। कहीं उनकी निंदा करनी चालू ना कर, मेरे मित्र के शत्रु बहुत हैं। प्रेम से कहिए, इसी कारण से मैं जाना नहीं चाहता। तो कहती हैं भगवान तो खुद ही शत्रुओं को मारने के लिए पैदा हुए हैं, आप क्यों घबराते हो? प्रेम से कहिए श्री राधे, देखो मैं तो सोचती हूँ कि आपके सखा से आपको मिलने के लिए जाना ही चाहिए। अब ये जब बार बार बोलती हूँ ना तो सुदामा जी की यादें ताजा हो जाती है। आज तक वो दूसरे अष्ट सखाओं की कथा सुनाते थे, आज उनकी खुद की स्मृति आ गई है, जो वो गुरुकुल में उनके साथ खेला करते थे। कभी बाल कृष्ण उनको अपना निवाला उनको खिलाते थे। सुदामा जी को बहुत भूख लगती थी जब आश्रम में रहते थे, तो शीघ्र शीघ्र भूख लगती थी। भगवान जब भिक्षा मांग के लाते थे तो बहुत सारा जो भोजन होता था ना, वो सुदामा जी के लिए अलग से निकाल दिया करते थे। ना जाने कैसी कैसी प्रेम की क्रीड़ा की है भगवान ने सुदामा जी के साथ। वो सब बातें उनको याद आने लगती है और वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, पर मैं भगवान से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जैसे ही सोचे हैं तो सोचते हैं कि जब मिलने के लिए जाऊंगा तो कुछ भेंट लेके तो जाना चाहिए, पर मैं तो बाह्य आवरणों संसाधनों का मैंने संग्रह नहीं किया है, मैंने धन का कोई संग्रह नहीं किया है, तो मैं क्या उपहार ले जाऊं उनके पास? उस उपहार के कारण वो फिर से रुक से जाते हैं। तो देवी सुशीला कहती है कि अरे अरे कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी जाकर कुछ व्यवस्था करती हूँ। और जाती है अपनी एक सखी के यहाँ, जाती है पास की होती है तो चावल के जो चिवड़े होते हैं, चिवड़े देखे हैं ना सब लोग, वो चिवड़े लेकर के आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कई लोग चावल कहते हैं पर भागवत में चिवड़ा लिखा हुआ है, इसलिए मैं वही बोलूंगा। प्रेम से कहिए, तो वो चिवड़े लेकर के आती है और एक फटे से एक चादर होती है उनके घर में, एक फटी सी सफेद की, उस चादर को फाड़ती है और उसमें उस चिवड़े को बांध देती है और कहती है कि ठाकुर जी को ये जब आप दोगे ना तो वो समझ जाएंगे, बस आप उनको दे देना और कुछ तर्क वितर्क मत करो, बस उनको आप दिखा देना, दे देना और कहना कि आपकी भाभी ने भेजा है। ठाकुर जी इतने समझदार हैं कि खुद ही भाई समझ जाएंगे। प्रेम से कहिए, सुदामा जी की कथा को श्रवण करने के लिए ना कभी अहंकार धारण नहीं करना चाहिए। जैसे सुदामा जी निरअहंकारी है ना, ऐसे ही हमें भी निरअहंकारी होकर उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर हम अहंकारी होकर उनकी कथा को श्रवण करेंगे तो उस निरअहंकारी सुदामा जी की कथा को कैसे श्रवण कर पाएंगे? प्रेम से कहिए श्री राधे।
तो सुदामा जी उस पोटली को पकड़ते हैं। प्रातः काल होता है, देवी को कहते हैं कि बच्चों का तुम ध्यान रखना और मैं तो श्याम सुंदर से मिल के आता हूँ, प्रेम से कहिए श्री राधे। और सुदामा जी निकल पड़े हैं, लेकिन उनका शरीर सूखा सा है, जीर्ण सा है, प्रेम से कहिए श्री राधे। और उनके इस सूखे हुए शरीर से ऐसा लगता है कि सारी नसें दिखाई दे रही है, प्रेम से कहिए। और उस शिथिल से शरीर को लेकर के सुदामा जी धीरे धीरे एक लकड़ी के सहारे उस मार्ग में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डरे मोहे लागे, दिन में आओ तो देखे सारी नगरे, दो नगरे, बड़े दो नगरे, हाँ दो नगरे, बड़े दो नगरे, कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, 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 अकेली आऊं तो भूले, अकेली आऊं तो भूले जाऊं नगरे, दो नगरे, बड़े दो नगरे, हाँ दो नगरे, बड़े दो नगरे, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरे गोकुल नगरे, बड़े दो नगरे, हाँ दो नगरे, बड़े दो नगरे, हाँ दो नगरे, बड़े दो नगरे, हाँ दो नगरे, बड़े दो नगरे।
चलो कान्हा कमर मोर रचे के धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर रचे के धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर रचे के धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर रचे झटपट चलो तो चले झटपट चलो तो चले काए गगरे दो नगरे बड़े दो नगरे हाँ दो नगरे बड़े दो नगरे कैसे आऊं मैं कनाई कैसे आऊं मैं कनाई तेरे गोकुल नगरे बड़े दो नगरे हाँ दो वृंदावन बिहारी लाल की विराजित हो जाएं। इस प्रकार से सुदामा जी ना जब यात्रा कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं प्रेम से कहिए श्री राधे जोर से बोलो जय जय श्री राधे बर्तन प्रेम से कहिए तो सुदामा जी ना जब जब इस प्रकार से गाते हुए जा रहे हैं कन्हैया की याद में वो बालपन की लीलाओं को याद करते करते स्मरण करते करते उनके पग आगे बढ़ रहे हैं। जब रात होती है तो सुदामा जी कहीं ठहर जाते हैं। प्रेम से कहिए जब सुदामा जी रात में ठहरते हैं तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं कि सुदामा जी इतनी दूर कैसे आ सकते हैं वो भी पैदल पैदल। तो अपनी योग माया को बोला है कि आप सुदामा जी को अति शीघ्र द्वारिका के पास ला दो। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जैसे रात से प्रभात हुई है तो सुदामा जी देखते हैं कि वो एक अति दिव्य सुंदर नगर में पहले से मौजूद है। गा रहे होते हैं ना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी जब इस प्रकार से कहा कि दूर नगरी है अरे कहाँ दूर नगरी है मैं तो अभी चला था और रुका था जब सुबह प्रातः काल होके देखा तो मैं तो द्वारिका में पहुंच गया हूँ मतलब मेरी कन्हैया की नगरी तो बहुत पास में है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और उस द्वारिका नगरी के भीतर प्रवेश किया है तो सुदामा जी देखते हैं कि यही श्याम सुंदर का महल है क्या क्योंकि वहां ना साधारण से महल घर नहीं बने होते सब बड़े बड़े महल में रहते हैं द्वारिका में। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो एक आदमी से कहा है भैया हाँ ये कन्हैया जी का घर है क्या ऐसे करके कन्हैया का नहीं नहीं कन्हैया का घर तो आगे है आगे आगे जाके पूछा है कि ये कन्हैया का घर है क्या कन्हैया का महल है क्या तो कोई बाहर आता है हाँ 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 कन्हैया का ही महल है। प्रेम से कहिए
जब कन्हैया का महल है कहा है तो बाहर निकल के कहते हैं कि मैं ही कन्हैया हूँ, बताइए क्या। अरे अरे नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने कन्हैया को कह रहा हूँ। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि द्वारिकाधीश का है महल कहाँ, कन्हैया का, क्योंकि बाल सखत है ना तो कन्हैया कन्हैया पुकारते थे। प्रेम से कहिए तो सुदामा जी ऐसे पूछते पूछते किसी ने कहा कि कहीं कन्हैया ये द्वारिकाधीश को तो नहीं कह रहे हैं, द्वारिकाधीश को पूछ रहे हो क्या। तो सुदामा जी कहते हाँ 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 हाँ, आजकल वो द्वारिकापुरी के राजा है ना, तो मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ। अरे उन्हें यहाँ कोई कन्हैया कह के नहीं पुकारता, क्यों नहीं पुकारता, क्योंकि कन्हैया तो ब्रजवासी पुकारते हैं उनको, और हमारे बाल कृष्ण को जरा सभी कन्हैया की अगर याद आ जाए ना तो वो विरह से कातर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई कन्हैया नहीं पुकारते। वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भूल से भी कोई उनको कन्हैया मत कहो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सुदामा जी आगे बढ़ते हैं ना तो पूछने लगते हैं कि द्वारिकाधीश का महल कहाँ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कई लोग होते हैं जो उनको देखते हैं ना, अरे ये दिन सी अवस्था है, क्या हो गया, ये दिन सी अवस्था है और ये द्वारिका द्वारिकाधीश को क्यों पूछ रहे हैं। प्रेम से कहिए जब सुदामा जी को ना, सुदामा जी ने पूछा कि द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, तो सभी कई लोग देख करके उनको इग्नोर करते हैं आपकी भाषा में, कई लोग बताते ही नहीं कि ये द्वारिकाधीश का महल है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर ऐसे पूछते पूछते कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्राह्मणों के ऊपर खूब प्रेम लुटाने वाले होते हैं, पर सुदामा जी बाह्य अवस्था से बहुत जीर्ण जीर्ण थे, बहुत दयनीय अवस्था है, फटी पुरानी सी धोती पहनी हुई है सुदामा जी। प्रेम से कहिए श्री राधे। कुछ समय के पश्चात सुदामा जी भगवान के महल के पास पहुंच जाते हैं, निकट पहुंचते हैं श्री राधे। तो वहां पर जो द्वारपाल होते हैं ना, उन द्वारपालों को कहा है भैया कि ये ये द्वारिकाधीश की नगरी है ना, और ये द्वारिकाधीश का महल कहाँ पर है, ये सब महल ऐसे लगते हैं जैसे एक जैसे ही है, इतने ही सुंदर हैं सभी। तो द्वारपाल कहते हैं कि हाँ हाँ यही जो दिख रहा है ना सामने में, वही द्वारिकाधीश का महल है, आप कौन हो। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं भगवान का बालपन का सखा हूँ, हम दोनों एक साथ विद्यालय में पढ़ा करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि वो द्वारपालों ने हंसी उड़ाई है, अरे भगवान उनको द्वारपाल थोड़ी न रखेंगे जो कोई ब्राह्मणों की हंसी उड़ाए, ऐसा हंसी वसी नहीं उड़ाया है, उन्होंने उनको प्रणाम किया है, बिठाया है और कहते हैं कि अभी द्वारिकाधीश तो राज्यसभा में होंगे तो हम उनसे एक बार पूछ लेते हैं, और वो जैसे आपको बुलाएंगे ना तो हम तुरंत उनके महल में आपको प्रवेश करवा देंगे। प्रेम से कहिए देखो जब भगवान के महल में कोई आते थे ना, बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि यहाँ तक कि देवता भी, तो भगवान का इंतजार करना पड़ता था उनको, लंबे समय तक भगवान का जब इंतजार करते थे साहू जी, तब भगवान जाके कहीं उनको दर्शन दिया करते थे। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब भगवान का समय आता था ना, मन लगता था, तब उनको वो दर्शन देते थे, पर जैसे ये सैनिक प्रवेश किया है और जब देखा है कि भगवान राज्य
के कार्यों में व्यस्त हैं, मंत्रियों को बुलाया है और उनके साथ निष्कर्ष कर रहे हैं, किसी विषय के ऊपर चिंतित से लग रहे हैं, किसी बातों के ऊपर, तो उन्होंने कहना ठीक नहीं समझा। तो वहीं के एक और जो सैनिक होते हैं ना, जो द्वार पे खड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं कि जैसे ही भगवान व्यस्तता उनकी जैसे ही समाप्त होती है, तुरंत आप बता देना कि सुदामा जी नाम का कोई ब्राह्मण आया है और कह रहे हैं कि वो उनके बालपन के सखा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो थोड़े से भी जब बांके बिहारी व्यस्तता उनकी कम होती है और राज्य सिंहासन पर जैसे ही बैठे हैं, वैसे ही वो सैनिक कहता है, प्रणाम द्वारकाधीश, प्रणाम। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? और बालकृष्ण थके से हैं। बालकृष्ण नहीं, अब तो युवान हो गए हैं भगवान। ठाकुर जी थके से हैं और कहते हैं सैनिक कि प्रभु बाहर ना कोई ब्राह्मण आया है, बहुत दीनहीन सी दशा में है। कैसी अवस्था में है? दीनहीन सी अवस्था में है और कह रहा है कि मैं आपका सखा हूँ, द्वारिकाधीश का सखा हूँ, मैं बालपन का सखा हूँ। और उनका नाम बताया है सुदामा। और जैसे ही सुदामा कहा है तो भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं द्वारिकाधीश की सुदामा आए हैं, सुदामा आए हैं, मुझसे मिलने के लिए सुदामा आए हैं। और वो सिंहासन से तुरंत खड़े हुए हैं और भागने लगे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा सखा सुदामा, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान की पीताम्बरी बिखर गई है, मोर मुकुट बिखर गए हैं, उनकी पादुका तक वो नहीं पहने हैं और सुदामा जी से मिलने चले गए हैं। जोर जोर से चिल्लाते हुए भगवान उनसे कह रहे हैं कि हे सुदामा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है, सैनिकों मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा सुदामा आया है। सबसे चिल्ला रहे हैं, पटरानियों को बोल रहे हैं, बलराम जी को बोल रहे हैं, आज मेरा सखा सुदामा आया है मुझसे मिलने के लिए, सुदामा सुदामा सुदामा। रो रहे हैं भगवान, इतने दिनों के बाद सुदामा जी मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझ पर करुणा की है, मुझ पर कृपा की है कि मेरा सखा आज मुझसे मिलने के लिए आया है, जिनको देखने के लिए मैं तरस रहा था। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब सुदामा जी के पास पहुंचे हैं, उधर सुदामा जी ने जब दौड़ते हुए बाल उन ठाकुर जी को देखा है ना, तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरा मित्र सुसक सुसक के रो रहे हैं। ठाकुर जी भी उनसे मिलने के लिए बेताब है और रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि क्या बताएं। देखो भगवान ने ना देवता महात्मा किसी को समय नहीं दिया, सब इनका इंतजार कहते हैं, पर ऐसे है सुदामा जी, मैंने पहले ही इनकी भूमिका में बता दिया था, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः जितेंद्रिय है। अरे गरीबी की ना, बाह्य गरीबी अवस्था की ना, जीरो से भी जीरो, माइनस वन माइनस टू में ऐसे पूरा अगर जीरो कर दो ना, उसकी पराकाष्ठा है, फिर भी शांत आत्मा है। प्रेम से कहिए श्री राधे, ऐसे दिव्य सखाएं। और सुख किस बात का है इस जीवन में? अगर मुझे सुदामा जी कहते हैं कि अगर कोई सुख मिला है ना सुशीला, तो वो केवल एक है कि मैं उस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सखा बाल उनके साथ खेला हूँ, उनके साथ में पढ़ा हूँ। इसी बात का मेरे जीवन में इतना सुख है कि मुझे और किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए। ये भाव है सुदामा जी के। ऐसा भाव वाला जब सुदामा जी आ रहे हैं ना, तो बाल कृष्ण रो रहे हैं, भाग रहे हैं, सुध बुध खो बैठी है। जब बलराम जी देखते हैं, सैनिक देखते हैं, मंत्रीगण देखते हैं, पटरानियां देखती हैं कि ऐसा कौन आ गया है जो भगवान इतने दौड़ के उनको उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था तो हमने भगवान की कभी देखी ही नहीं है। कौन है कौन है कौन है? सभी भगवान के पीछे भाग रहे हैं, कोई उनकी पीताम्बरी लेकर के, कोई उनके पादुका को लेकर के उनके पीछे भाग रहे हैं। द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, क्योंकि भगवान के चरण तो कमल के समान है, कहीं नहीं कोई कंकड़ ना लग जाए। सभी बाह्य अवस्थाओं को त्याग करके भगवान उनसे ऐसे मिलने के लिए गए हैं, क्या बताएं। जब सुदामा जी उनको आते देखते हैं तो अति प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों मित्र आपस में गले मिलते हैं। सुदामा जी ने अपने बाहों में उनको इस प्रकार से आलिंगन किया है कि क्या बताएं, जैसे बरसों नहीं अनंत सालों के बाद उनसे मुलाकात हुई। कहते हैं कि सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बंधु,
तुझे मेरी याद नहीं आती निर्मोही। देखो गोपियां ना विरह से तड़प रही हैं, किसके लिए? कन्हैया के लिए। ना जाने और कौन कौन भगवान के लिए तड़पते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि हे सुदामा जी तुम बहुत निष्ठुर हो। इतने दिन आश्रम के हो गए हैं, जब से हम लोग आश्रम से निकले उसके बाद आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई, एक बार भी। तुम कितने निर्मोही हो, तुम कितने पत्थर दिल हो। सुदामा जी को जब ऐसा संबोधन किया है ना ठाकुर जी, तो रो रहे हैं सुदामा जी। जानते हैं सुदामा जी भगवान की हर एक लीला को। किसी को हर कोई भगवान को कहता है कि भगवान निर्मोही है, यहाँ भगवान कहते हैं सुदामा जी तुम निर्मोही हो। तुम्हारी कितनी याद आती है मुझे, तुमको जरा सा भी मेरी याद नहीं आई। और बार बार ऐसे आलिंगन करके भगवान रोने लगते हैं, कभी उनके गालों को छूने लगते हैं। सुदामा तू कितना पतला हो गया, गुरुकुल में तू कितना खाता था, चार बार पांच बार खाता था, सबसे ज्यादा शरीर तेरा था, पर तू सुख की खाटा हो गया मेरा मित्र। भगवान उसको फिर देखते, फिर आलिंगन कर लेते, मन नहीं भर रहा है भगवान का, और रोने लगे। इतना आलिंगन किया है ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कंकाल होता है ना, ऐसे कंकाल से हो गए हैं सुदामा जी। तो जोर से आलिंगन कर रहे हैं ना ठाकुर जी, तो ये सोच रहे हैं कहीं सुदामा जी की हड्डी पीछा चले जाए। सही है, तो ठाकुर जी ने उनको अपने आलिंगन से बाहर निकाल के खूब प्रेम दिया, उनके लिए रथ मंगाई, रथ से चढ़ा करके सुदामा जी के नीचे में, सुदामा जी के समक्ष वो उनके नीचे बैठे हैं, उनके समांतर नहीं बैठे, और सुदामा जी को ले गया है। पूरी द्वारिका दिख रही, द्वारिका देख रही है ठाकुर जी की इस अवस्था को। अरे जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिष्ठाता देव ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी भी जिनके सामने नीचे बैठते हैं, जिनके सामने इंद्र वरुण देवता ना जाने कितने नाग किन्नर गंधर्व राक्षस उनके सामने नीचे बैठते हैं, कितने बड़े बड़े महात्मा और ना जाने कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके उनके सामने नीचे बैठते हैं, ये ऐसा कौन आ गए हैं जिसके सामने द्वारिकाधीश नीचे बैठते हैं। सब सोच रहे हैं, सभी द्वारिकावासी स्तब्धित हो गए हैं कि ये कैसी अवस्था है, ये कौन है, ये महात्मा जिसके लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। भगवान उनको महल में ले जाते हैं और अपने निज महल में ले जा करके उन वो जो आसन होता है ना, जो द्वारिकाधीश कभी कभी बैठा करते थे, वो जो सबसे दिव्य आसन होता है, वो द्वारिकाधीश उस आसन पर सुदामा जी को बिठाया है, प्रेम से कहिए, और सुदामा जी को बिठा करके उनको देखते हैं, निहारते हैं, बार बार रोने लगते हैं और बार बार कहते हैं कि तू मेरा मित्र नहीं, तू मेरा सखा नहीं, तुझे मेरी याद नहीं आती, एक बार भी तू मेरे से मिलने के लिए नहीं आए, क्या तेरा जी नहीं किया है सुदामा? तू बचपन में भी ना बहुत भागा करता, तू आज भी ऐसा कर रहा है, मैं तेरे लिए बिलखता हूँ, चिल्लाता हूँ, ना जाने तू कहाँ है, किस अवस्था में है। सुदामा जी उस प्रेम को देख देख लिया, बस और क्या चाहिए, जिसके लिए त्रिलोकी नाथ रो रहे हैं, भगवान ने किसी के लिए नहीं रोया, सुदामा जी के लिए रोया और गोपियों के लिए रोया, ब्रजवासियों के लिए रोया, आज सुदामा जी के लिए रो रहे हैं, प्रेम से कहिए। और देखते हैं ना उसकी जीर्ण दशा को, तो और बार बार चिल्ला करके कभी रुक्मणी को गले लगा के रो रहे हैं, कभी सत्यभामा को गले लगा के रो रहे हैं, और कह रहे हैं देखो ना मेरा मित्र सूख गया है, सत्यभामा देखो ना मेरा मित्र कैसे जर्जर हो चुका है। कभी बताने लगते हैं अपनी बचपन की यादें, सुदामा इतना सुंदर हुआ करता था, उनके बड़े बड़े कपोल हुआ करते थे, उनकी भुजा बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अपने बालपन की लीला का वर्णन करते हैं भगवान, पर आज मेरा मित्र ऐसे छूते हुए भगवान कहते हैं आज मेरा मित्र कैसे हो गया। इस प्रकार से जब भगवान बहुत विरह से डूब जाते हैं, सुदामा जी के प्रेम को ज्यादा अनुभव करने लग जाते हैं, तो बलराम जी,
और उनकी जो पटरानी है वो समझाने लगती है, पर भगवान नहीं मानते। और उनकी मित्र सखा ब्राह्मण है, इसलिए अब क्या करते हैं ठाकुर जी, उनकी पाद प्रक्षालन करने के लिए जल मंगवाते हैं। जब एक पात्र पर उनके चरणों को रखा है और देखा है ना उनके चरण, तो उनके चरण में ना जाने कितने कंकड़ और पत्थर लगे हुए हैं। उन कंकड़ पत्थर से लगे होने के कारण उनके पांव से रक्त निकल रहा है। जब उनके पांव ऐसे थरथर 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 कांप रहे हैं। जब ठाकुर जी इस अवस्था को देखते हैं तो और विरह से कातर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके चरण उनके आंसू से धुल जाते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी पराग को हाथ लिया नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठाकुर जी अपनी आंखों से अपने अश्रु जल से उनका चरण प्रक्षालन किया है, जिनके चरण प्रक्षालन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी भी उपस्थित हैं, साक्षात ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, सप्त ऋषि उपस्थित हैं। ना जाने ब्रह्मांड के कौन उनके चरण धोना ना चाहे, पर ये कौन आया है आज जिनके चरणों को स्वयं श्री कृष्ण धो रहे हैं। प्रेम से कहिए, देखो इसलिए मैं पहले से कह रहा था कि सुदामा जी को साधारण मत समझना। सुदामा जी के मान बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं। सुदामा जी इतने योग्य हैं, इतने पात्र हैं कि उनके लिए ऐसा ही किया जा सकता है। इससे कुछ कम कर दो ना तो उनका अपमान है, समझो। अगर भगवान इससे कुछ कम कर देते ना तो उनका अपमान हो जाता है। उनका मान वान रखने के लिए आप गलत फहमी में मत रहना कि भगवान ने मित्रता का प्रचार करने के लिए सब चीज किया है। ये तो सब बातें हैं साहब। अरे कोई लेखक होता है, कोई कवि होते हैं, कोई और कुछ होते हैं, सब अपने अपने मंत्रणा के हिसाब से सब बोलते हैं, पर भागवत में ऐसा नहीं कहा है। भागवत में कहा है कि भगवान अपने सखाओं के लिए, अपने भक्तों के लिए ऐसा तड़पते हैं। और भगवान नहीं तड़पते, पहले भक्त खूब तड़पते हैं, इसलिए भगवान भी तड़पते हैं। सुदामा जी को स्नान करवाया है, धूमिल से हो गए हैं सुदामा जी। सुदामा जी को खूब स्नान करवाया है, रक्त चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध और ना जाने किन किन पदार्थों से उनका स्नान हुआ है। गुलाब जल, गंगा जल, दुग्ध स्नान करवाया है। ब्राह्मण है इसलिए षोडश उपचार से उनका पूजन किया है। प्रेम से कहिए, उनको साथ बिठा करके खिलाया है। जब वो खाने लगते हैं ना तो उनको अपने परिवार की याद आती है। सुदामा जी को मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरा परिवार वहाँ भूखा होगा। वो तो मैं रहता था तो भिक्षा मांग के भी लाता था। प्रेम से कहिए श्री राधे, मैं था तो भिक्षा मांग के लाया करता था, पर अभी तो मैं हूँ भी नहीं तो कौन उनको खिलाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, तो भगवान उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और वहाँ के राजा को अपने अंतर से प्रेरणा देते हैं कि पूरे गांव में दिव्य भंडारा करवाओ। और वहाँ के जो राजा होते हैं वो भंडारा करवाते हैं और उनको भोजन प्रसादी मिल जाती है। यहाँ सुदामा जी को भगवान समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम जो सोच रहे हो ना उसकी कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। सुदामा जी आप बस अभी आप यही अपना ध्यान लगाओ। अरे अभी तो तुम आए हो, फिर अपनी पुरानी यादों में मत खो जाओ, अभी तो मुझे अपने सखा का मिलन का सुख दो। प्रेम से कहिए, सुदामा जी थोड़ी सी ही प्रसादी पाते हैं और उनको दिव्य कक्ष में, जो भगवान का दिव्य कक्ष होता है, बाह्य कक्ष नहीं दिव्य कक्ष, वहां ले जाते हैं और वहां उनको आसन दिया है और उनसे नाना प्रकार की मित्रता की बातें करने लगे हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भाभी भाभी देखी है कि अकेले हो अभी तक, तो कहते हैं प्रसन्न हो जाते हैं सुदामा जी, हाँ 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 मैंने देखी है ना, एक है भाभी तुम्हारी, सुशीला नाम है उसका, जैसा नाम है वैसा गुण भी है, अच्छा
तो भाभी है तो बाल गोपाल, प्रेम से कहिए बच्चे बच्चे, एकाध बच्चे बच्चे हुए ना, अरे एक बच्चे नहीं मेरे चार चार बच्चे भी हैं, एकदम खुश होकर बोलते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं सुदामा। बाल कृष्ण इस प्रकार से ठाकुर जी, मेरा बार बार बाल कृष्ण निकल जाता है, ठाकुर जी अब तो द्वारिकाधीश हो गए हैं ना, तो वो उनको खूब प्रेम दे रहे हैं। तो कहते हैं सुदामा जी, कहते हैं कि केवल तुम मेरे बारे में बताया, तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई है ना, हुई है हुई है, हमारी भी हुई है भैया। अच्छा तो भाभी से अभी तक मिलवाए नहीं? तो रुक्मणी जी तुरंत आती है एक जल को लेकर के उनके पैर को धोने के लिए। जब देखते हैं सुदामा जी, और उस समय ना इसी समय था, समझो कार्तिक मास ही चल रहा होगा क्योंकि ठंड का समय था, जनवरी फरवरी आपकी भाषा में जिस समय ठंड बहुत होता है। अब उस समय ना हीटर नहीं था, न गैस की व्यवस्था थी कि जल को तुरंत हम लोग गर्म कर ले, प्रेम से कहिए। तो सुदामा जी जब ना वहां बैठे हैं ना, तो रुक्मणी जी उनके पैर को धोती है थोड़े से जल से, और ठाकुर जी कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, यही तो है भाभी आपकी। सुदामा जी देखते हैं ना, अरे बाप रे इतनी सुंदर, जैसे सुंदर हमारी श्याम सुंदर है उतनी सुंदर तो हमारी भाभी भी है। प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद हो गया, आनंद आ गया, आपकी गृहस्थी को देख करके मैं बहुत ज्यादा आनंदित हो गया। फिर एक थोड़ा देर होता है, फिर एक दूसरी वाली आती है सत्यभामा जी, फिर वो ठंडा जल उनके चरणों में रित होती है। कहते हैं सुदामा जी ये कौन है? ये हमारी दूसरी वाली है। अरे इसकी आदत नहीं गई है, इसकी आदत नहीं गई है, वो गोकुल में रहता था ना तो गोपियों के साथ घुमा करता था ना, अरे तुम बदले नहीं हो? अच्छा, अरे एक के बदले दो रख ली होगी, राजा तो है ये, प्रेम से कहिए। अब इतने देर में वो चली जाती तो तीसरी आती है जामवंती जी, अब वो पाप प्रचालन करती है। अब तुम ये मत कहना कि ये भी तुम्हारी पत्नी है, अरे ये भी है मेरी पत्नी, अभी तो देखो सुनामा जी थोड़ा बाहर निकल के तो देखो लाइन लगी हुई है। अरे भैया हमारी एक पत्नी थोड़ी ना है, हमारी तो 16108 पत्नी है। सुदामा जी उतने टाइम पलंग में जाके सो जाते हैं, बस भैया बहुत हो गया पाप प्रचालन, चलो रात भर करेंगे तब भी नहीं होगा, प्रेम से कहिए। ऐसी तो जब दो सखा बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, खूब मस्ती होती है। मेरे जो बचपन के सखा है ना, ये पंडित जी हैं, खड़ा हो जाइए पंडित जी एक बार, ये हैं मेरे पर बचपन से, बहुत छोटेपन से हम दोनों साथ रहते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो इनके बगैर नहीं जाता, मेरी पहली भागवत हरियाणा में हुई थी तो इन्हीं के साथ, मैं कहीं भी विशेष जगहों पर जाता हूँ तो अपने सखा को ले जाता हूँ, इसलिए ले जाता हूँ कि उनके बगैर उनसे बात कैसे करूँगा। और ये मेरे सबसे प्रिय शिष्य भी हैं, सखा भी हैं और शिष्य भी हैं। इनको कोई ज्ञान की चर्चा गुण रहस्यों के बारे में बताना होता तो पहले इन्हीं को बताता। तो ऐसे ही ठाकुर जी के वो सखा हैं, और ये बाहर रहते हैं, मैं तो बाहर रहता हूँ, हम दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और चार महीने पांच महीने के बाद मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना तो 12 बजती रात हमको बात करना, पूछ लीजिए अभी हमारे घर वाले हमको 10 बार 20 बार फोन करते, बस हो गया खाना खाने के लिए आ जा, और हम नहीं जाते। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भी मित्रवत व्यवहार है, प्रेम से कहिए। और ठाकुर जी जब उनसे बातें करते हैं तो वो खूब आनंदित हो रहे हैं। सुदामा जी वहां ज्यादा दिन नहीं रुकते, प्रेम से कहिए श्री राधे। जानते हैं कि ठाकुर जी अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ठाकुर जी का सारा ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा, और वो तो राजा है राजा, और राजे का बहुत सारा कार्य होता है। इसलिए सुदामा जी कहते हैं जब जब प्रातः काल होने वाली होती है तो सुदामा जी कहते हैं कि हम नहीं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तो तुमने नगर भ्रमण नहीं किया है,
और शाम को तो ही तो तुम आए हो, पहुंचते पहुंचते ऐसी हो गई, तो ठाकुर जी ने एक रात और रोका है। प्रेम से कहिए श्री राधे, तुम कल चले जाना, मैं पक्का तुम्हें कल जाने दूंगा। और जैसे फिर रात हुई है ना साहू जी, नगर भ्रमण करवा के पूरी द्वारिका दिखा के, वो सारे जो उपवन होते हैं, सुंदर सुंदर महल होते हैं, उनको ठाकुर जी उनको दिखाते हैं और सारा कार्य बताते हैं, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। कैसे बताऊं, जब आप लोग घर बनाते हो ना और उद्घाटन होता है, तो अपने सखा को जब बुलाते हो निमंत्रण में, तो बताते हो ना, ये वाला सोफा ऐसा है, ये वाला दरवाजा, ये वाला रूम ऐसा है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरी बेटी का है, और ऐसा ऐसे ही भगवान पूरे नगर को भ्रमण करवाते हैं सुदामा जी को। फिर जब रात होती है ना, तो भगवान से पूछते हैं, भगवान उनसे पूछते हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा है। सुदामा जी, आप भैया इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं, क्या बताएं, स्वयं भगवती अन्नपूर्णा तो इनकी ग्रहणी है, जो भोजन बनाई मैंने एक निवाला डाला ना, तो ऐसा लगा कि स्वर्ग के बाद अपवर्ग, और अपवर्ग के बाद जो ब्रह्मा जी के भोजन का जो सुख है, अरे वो तो फीका फीका है, वैकुंठ में भी जो भोजन बन रहा होगा वो भी फीका है, वो तो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है, इतना सुंदर पकवान, और कहां वो चिवड़े, वो भी मैं धूल मिट्टी में सना हुआ आया हूं, धूल धूल सब कपड़ा दिख रहा था, कैसे ठाकुर जी को दे दूं, तो अरे अरे कोई अरे हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी है ठाकुर जी की, क्या उपहार भेजेंगे आपके लिए, खाने को तो दाना नहीं था हमारे पास। जैसा भी है उन्होंने अपना हालचाल सुनाया, और जो पोटली अपने कमर में बांध रखी थी ना, चुपके से तकिए पे छुपा रहे हैं, अरे ये बाल कृष्ण है, बड़े बड़े घर में माखन चुराना रहता था ना, कहीं भी आप छुपा दो तो बाल कृष्ण उसको ढूंढ लिया करते थे और माखन चोरी कर लेने करते थे। तो भगवान कह रहे हैं, देखो सुदामा जी, हमसे कोई बात छुपाया नहीं करना, आपको पता है ना कि हमें हम इतने बड़े चोर, चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, हम तो चोरों में अग्रगण्यम हैं, और आपकी चोरी पकड़ने में मुझे कितना समय लगेगा, प्रेम से कहिए। तो सुदामा जी के हाथ को पकड़ लिया है और वो पोटली निकाली है और देखा है उसमें चिवड़ा, और ये भाभी जी ने भेजा है, हाँ हाँ तुम्हारी भाभी जी ने भेजा है कन्हैया। और भगवान देखते हैं कि वो चिवड़े की हालत देखते हैं ना, तो उनकी गरीबी उनको समझ आ जाती है, उनकी जो बाह्य गरीबी है ना वो उनको समझ आ जाती है, बोलते हैं अरे इस पे तो मैं पूरे ब्रह्मांड का धन मार दूं इस उपहार के बदले, और इतने प्रेम से वो उस चिमड़े की एक मुट्ठी निकालते हैं और ऐसे पाते हैं और बोलते हैं अहम तृप्तो अहम, मैं तृप्त हुआ। और जब भगवान किसी से तृप्त हो जाए तो भगवान क्या देते हैं, जो आप दोगे उसको अनंत गुना बढ़ा के देते हैं, तो जब आप भगवान को तृप्त कर दो तो वो आपको क्या कर देंगे, और ज्यादा तृप्त कर देंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बोलते हैं कि एक मुट्ठी में ही संपूर्ण स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और ऊपर के जो और सत्य लोक है उनको उन्होंने सुदामा जी के नाम कर दिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। दूसरी मुट्ठी में जब वो ग्रहण किए हैं तो संपूर्ण पृथ्वी और सुतल वितल तलातल रसातल का जो ऐश्वर्य है वो सुदामा जी के नाम कर दिया है। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले होते हैं तो रुक्मणी जी ने कही कि बस 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 अब वैकुंठ बचा है, हमारे लिए भी रख दो थोड़ा बहुत। प्रेम से कहिए श्री राधे, अरे ठाकुर जी कृपा करने का ठेका आप ही नहीं लिया है, हम लोग भी तो है ना, हमें भी तो मौका दो सुदामा जी की सेवा करने का। और वो छीन लेती है वो पोटली, ठाकुर जी कहते नहीं नहीं मेरी वो पोटली मुझे चाहिए, अरे बस प्रभु बस। वो देख रही होती है भगवान सुदामा जी के नाम क्या नहीं चढ़ा दे रहे, क्या नहीं दे रहे हैं उनको। आज तो उनको आपको सत्य बताऊं, जब जब उनको वो श्राप याद आता था ना ठाकुर जी को, जब ये वैसे जब वो ऐश्वर्य को देखा करते थे, प्रेम से कहिए, जब वो ऐश्वर्य को अपनी द्वारिका पूरी का ऐश्वर्य देखा करते थे और जब सुदामा जी की याद आती थी उनकी, जब वो गरीबी देखा करते थे, तो सच बताऊं साहू जी, ठाकुर जी बहुत दिन से खाते नहीं रहे,
पीते नहीं थे, बेचैन से रहते थे। अष्टपट रानियां उनको पूछा करती थी कि आप परेशान क्यों रहते हैं। तो सुदामा, तो श्री कृष्ण कहते थे कि हमारे एक मित्र हैं और उनकी अवस्था भी ठीक नहीं चल रही है, और जब मित्र की अवस्था ठीक ना चले ना तो दूसरे मित्र को उसकी सहायता करनी चाहिए, पर मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं सुदामा जी को ऐसा ना लगे कि मैं जब राजा बन गया हूँ तो उनके ऊपर मैं दया कर रहा हूँ। प्रेम से कहिए, इस भाव के कारण मैं उनसे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, और सुदामा जी खुद से मेरे पास आ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है, ब्राह्मणों ब्रह्मविद्मा है, वैरागी है, उनको ये बाह्य सुख तो चाहिए ही नहीं। ये जो मेरा द्वारिका का ऐश्वर्य है ना, ये सुदामा जी के लिए तृणवत है, तृणवत। ये तुम्हें लगता है ऐश्वर्य, पर ये तो सुदामा जी के लिए तृणवत है। प्रेम से कहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर जब प्रातः काल होता है तो सुदामा जी को ठाकुर जी विदाई देते हैं और सुदामा जी पुनः अपनी सुदामापुरी की ओर अग्रसर किया है। ठाकुर जी ने कोई भेंट नहीं दिया है सहज जी, तब भी सुदामा जी क्या गा रहे हैं आपको पता है? वो ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम। सभी हाथ खड़ा करके ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला ढल गया अमृत में विष का प्याला। मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला ढल गया अमृत में विष का प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राख पिया सब दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम
लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया के भी दुख दूर हो गए हैं। उसके बाद आगे की कथा का वर्णन है कि विश्वकर्मा को भगवान आदेशित करते हैं, सुदामा पुरी का निर्माण होता है, वो द्वारिका की भांति ही सुंदर होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और सुदामा जी के परिवार के ऊपर भगवान ने खूब कृपा की है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे यदुवंश को श्राप मिला है, ये इसकी कथा का वर्णन है। भगवान के पुत्र होते हैं सांब, उनके साथी होते हैं, वो एक महात्मा से मिलते हैं और महात्मा का परीक्षण करने के लिए एक कढ़ाई को पेट बना लेते हैं और बांध लेते हैं उसको, और महात्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं स्त्री बना करके कि जिसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। महात्मा कहते हैं कि हमसे मजाक कर रहे हो, और जिस लोहे को तुमने अपने गर्भ में रखा है यही लोहा तुम्हारा काल हो जाएगा, इसी से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे की कथा में और ऐसा भी वर्णन है कि यदुवंश आपस में मिल करके एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, और ऐसा करते करते पूरे यदुवंश का नाश हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर कुछ समय के पश्चात इस घटनाक्रम को बलराम जी देखते हैं। बलराम जी सहज समझ जाते हैं कि भगवान अपने लीला का स्मरण कर रहे हैं। बलराम जी कुछ समय के पश्चात अपने दिव्य सीसा रूप में आ जाते हैं और दिव्य धाम को प्रस्थान करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर ठाकुर जी भी एक वन में जाते हैं और एक वन में सोए रहते हैं, तभी एक भील का एक बाण उनके छोटे से पैर में, जो वो एक अंगूठा होता है उस पे लगता है और उससे एक रक्त बहता रहता है। वो भील आता है, भगवान से क्षमा मांगता, मैं तो हिरण समझ के मारा था, पर ठाकुर जी मैं जानता नहीं था, उसको क्षमा करता है। अरे भैया हमें मार कौन सकता है बताइए, हमारे नाम लेने से भी पार्षद नहीं आते मृत्यु के, मृत्यु तो दूर दूर तक नहीं भटकती, मूर्ख हो तुम। उसको समझाते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं। वहाँ उद्धव जी आते हैं, मैत्रेय महामुनि आते हैं, उद्धव जी को भागवत धर्म का ज्ञान दिया है, मैत्रेय मुनि को भागवत धर्म का ज्ञान दिया है, और जब ठाकुर जी स्मरण करना चाहते हैं तो कहते हैं उद्धव जी कि ठाकुर जी जब आप चले जाओगे तो फिर क्या होगा इस पृथ्वी का, फिर अधर्मी बढ़ जाएंगे, तो कैसे इनसे इनकी रक्षा होगी। तो उसी समय भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित हुए हैं और भागवत भगवान में समा गए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ये दिव्य ज्योति आज इस कथा का अंतिम दिवस है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद सातवां दिन चल रहा होता है, सुखदेव जी को कहा है कि परीक्षित जी को कहा है सुखदेव जी ने कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तो परीक्षित जी कहते हैं कि नहीं मेरी मृत्यु अब नहीं हो सकती, हाँ मेरे शरीर का मृत्यु हो सकता है, मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन मैं जान गया हूँ
कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उन्होंने सांस रोका है, ऐसा वर्णन है कि थोड़े देर के बाद सुखदेव जी उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं और परीक्षित अपनी सांसों को रोके हैं। रेचक कुंभक पूरक ऐसा रूप में एक प्राणायाम होता है उसको करते हैं और अपने प्राणों को भगवत तत्व में विलीन कर देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। उसी समय तक्षक आता है, उनको काट लेता है और उनका शरीर जल करके भस्म हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस प्रकार से भागवत का अंतिम उपदेश है कि आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। भागवत का अंतिम श्लोक में बोलने जा रहा हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। सभी हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख समनस्तम प्रणमादुर्समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो मे दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख समानस्तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार से अंतिम उपदेश है कि नाम संकीर्तन जो भगवान के गुणों का नाम है ना, उनका जो संकीर्तन करता है उसके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, उसके जीवन के सभी दुख जल करके नष्ट हो जाते हैं और वो अंत में भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब सभी हाथ खड़ा करें और कहें कि हे व्यास जी, हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कथा अत्यंत मधुर अत्यंत रमणीय हो। आप सदैव कथा करते रहें। आप जोर से बोलो, बोलना बंद कर दिया है। आप सदैव जगह जगह जा करके भगवान के गुणानुवाद को करते रहो और हर साल शंकर नगर में आकर के भागवत करते रहो। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक मिनट ना, जो जिनके घर में भंडारे की व्यवस्था की गई है, साहू जी मैं आपका नाम नहीं जानता हूं पर आप बहुत सम्माननीय हैं, आपने बहुत सहयोग किया है, आप आ जाइए। हो रे रे रसिया बरजोरे रे रसिया, आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हो रे रे रसिया बजोरी रे रसिया, हो रे रे रसिया बजोरी रे रसिया, हो आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हो आज बिरज में होली रे रसिया।
ब्रजपनिता जी आए, घर घर से ब्रजपनिता जी आए, घर घर से ब्रजपनिता जी आए, घर घर से ब्रजपनिता जी आए। कोई सावर कोरी गोरिया रे रसिया, कोई सावर कोरी गोरिया रे, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होरे रे रसिया होली रे रसिया, होरे रे रसिया होली रे रसिया, हे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया जी कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया जी कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी है रसिया, कौन गाँव राधा गोरी है, आज बिरज में हो रे रसिया, आज बिरज में हो रे रसिया, हो रे रस पर जोरे रे रसिया, हो रे रस पर जोरे रे, आज बिरज में हो रे रसिया, आज बिरज में हो रे।